गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ डेली करेंट अफेयर्स एक्सप्रेस ऑन इंडिया प्लेटफॉर्म इजेडमीडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत आज के करंट अफेयर्स के सेशन में बिफोर प्रोसीडिंग नो स्टूडेंट्स इफ आई एम ऑडिबल विजिबल इफ आई एम ऑडिबल विजिबल लेट मी नो सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड टूडे सेशन ओके ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या है आज हमारे लिए डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के न्यूज में ठीक है तो इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू और पीआईबी अलोंग विद दैट एडिटोरियल्स भी देखने वाले हैं हम लोग आज आज थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा चलेगा आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद इट टेल मी यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और आज आपको आंसर प्रैक्टिस ग्रुप पे आज आपको एक टास्क मिलने, मिलने वाला है एक्सरसाइज मिलने वाला है आई एम गोइंग टू पोस्ट अप्रोक्सीमेटली टेन न्यूज एज होमवर्क अपॉन द एंसर प्रैक्टिस ग्रुप आपको वो दस के दस न्यूज डी और इंटरलिंक करना है आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर इट यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आपको 10 के 10 न्यूज डी करना है इंटरलिंक करना है विद वेरियस पोर्शंस ऑफ द सिलेबस ऑफ जीएस तो चलिए स्टूडेंट्स आज देखते हैं आज शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज क्या है हमारे लिए करंट अफेयर्स के सेशन में लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक स्ट्रेटजी डिस्कशन मैं अभी देख रहा हूं लास्ट एक हफ्ते से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है जो जीएस पेपर थ्री का एक सब्सटैशियल पोर्शन ठीक है जीएस पेपर थ्री का एक सब्सटैंशियल पोर्शन मींस यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन इन जीएस पेपर थ्री मेन्स आर कमिंग फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी यस और होता क्या है जैसे ये इस फील्ड के लिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है रेफरेंस बुक्स अलोंग विद एनसीआर एनसीआर के अलावा बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है रमेश सिंह की बुक है एक ठीक है इसके अलावा एक बुक है नौशाद चेंगुदन की ठीक है वेरियस बुक्स आर अवेलेबल फॉर इंडियन इकोनॉमी लेकिन दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स ना कि हम लोग रियालाइज कर जाते हैं पूरे के पूरे ये स्टैटिक बुक्स पे हमारा मेजर फोकस होना चाहिए इन बुक्स से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना अपने अपने कंसेप्ट में इंडियन इकोनॉमी को लेकर ओके okay? कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं हो सकती कोई भी किताब कंप्लीट नहीं हो सकती यूपीएससी के लिए बिना करंट अफेयर्स के इनपुट्स के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ऑल दीज बुक्स आर ओके बट ओनली फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन इन यूपीएससी फ्रॉम दीज बुक्स यूपीएससी कभी भी एक भी सवाल इकोनॉमी का देखिए मैं बता रहा हूं पॉलिटी में तो एक सवाल आ भी जाएगा स्टैटिक पोर्शन से इकोनॉमी में डोंट एक्सपेक्ट सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दीज बुक्स इन शॉर्ट इन शॉर्ट इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर थ्री कंप्लीटली डायमिक है और डायनामिक का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर आपको करंट अफेयर का बहुत सब्सटैशल पोर्शन लेकर चलना है चलिए आइए देखते हैं देखते हैं जीएस पेपर थ्री का सिलेबस uh, देखते हैं और तब हम देखेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है इसमें आज पांच से दस मिनट में बताऊंगा इसके बारे में ओके आई होप इट्स ओके विद ऑल ऑफ यू है जो जी, जीएस पेपर थ्री का सिलेबस ठीक है हैव ये सबसे पहला पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का है लुक यहां तक मैंने इसमें एक टॉपिक पढ़ा है जस्ट टू डेज बैक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल्स मैंने पढ़ाया था आपको आई होप यू आर आपको समझ में आया था ये पॉइंट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ मॉडल मैंने पढ़ाया था आपको ठीक है ये देखिए जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी शुरू ही होता है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज रिलेटिंग टू ठीक है इन शॉर्ट ये अपने आप में यह बता रहा है कि डायनामिजम रहना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में ऑल्सो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग आउट फ्रॉम इट इश्यूज इसीलिए इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस जीएस पेपर थ्री के इकोनॉमी में रह रहा है फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यस और उसके लिए क्या सॉल्यूशंस भारत सरकार कर रही है या आप क्या सॉल्यूशंस प्रोपोज करते हैं इसका मतलब है जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी में क्रिएटिव होना पड़ेगा क्रिएटिव होना पड़ेगा इन्वेंट करना पड़ेगा कुछ पॉइंट तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे मेन्स में एंड यू माइंड है

सेकेंड पॉइंट ये देखिए यहाँ पे इसके अलावा ये देखिए एग्रीकल्चर का पोर्शन है अच्छा खासा इनफैक्ट ये एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है जीएस पेपर थ्री का इकोनॉमी का इट इज गिविंग ए हिंड फॉर प्रिलेम्स यस प्रिलेम्स में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं और उनका पूरा बैकग्राउंड यहीं से निकलेगा आप देखिएगा इसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज ओके सब्सिडीज मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑलरेडी पड़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे पिछले दो महीने में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यस ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन रीवैंपिंग बफर स्टॉक बहुत सारे रिलेटेड न्यूज आए हैं फील्ड में ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एंड सबसे क्रुशल पॉइंट देखिए सबसे छोटा सा पोर्शन यहां पे लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्यों यहां से तीन से चार सवाल हर साल आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिस इजिंग थ्री क्वेश्चन कुल मिलाकर सब कुछ यही पे आता है पोर्शन क्या स्टैटिक है कहीं नहीं स्टैटिक है मैंने तो नहीं देखा पिछले छह से सात साल में एक भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछे गए हूं इसी वजह से लेकिन स्टैटिक की जरूरत होती है बहुत जरूरत होती है क्यों सेप्ट क्लैरिटी के लिए तभी तो आप पढ़ पाइएगा डायनामिक पोर्शन फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं जानोगे फॉर एग्जाम्पल आज देखिए आज का न्यूज क्या है अगर आप ये नहीं जानोगे कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या है फ्री मार्केट फोर्सेस क्या है एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है ठीक है आप यह नहीं जानोगे कि एडम स्मिथ का अप्रोच क्या है ठीक है या कार्ल मार्क्स का अप्रोच क्या है या किन अप्रोच क्या है तो आप कभी लिंक कर ही नहीं पाओगे ये न्यूज आर यू गेटिंग इट कि खराब समय में जब इकोनॉमी खराब समय में एंटर करती है इट एंटर द बैड फेज द गवर्नमेंट कम्स ब्रिंग द इकोमी बैक अप्रोच मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको ये देखिए क्लासिकल एग्जाम्पल जब आप मिक्सड इकोनॉमी पढ़ोगे नई डेफिनेशन एनसीआरटी से तो आप कैसे लिंक करोगे ये न्यूज मी। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है फ्री मार्केट फ्री में फ्री मार्केट लीव किया हुआ है सरकार कह रही है मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मैं इंटरव्यू करूंगा मिक्स्ड इकोनॉमी सेकंड एग्जांपल देखिए यहां पे मैं बस आपको बता रहा हूं कैसे कैसे ये पढ़ते हैं टॉपिक ठीक है ये तो आसियान का तो हम लोग कल देखे ही थे हम देखेंगे इसको डोंट वरी ये आसियान पता है आई का टॉपिक नहीं है ट्रेड का टॉपिक है हमें देखना है ठीक है इसके अलावा ये देखिए ये देखिए हम लोग जस्ट मिनट ये देखिए अभी आज हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में ये स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स ठीक है ये क्यों लॉन्च किया गया भाई क्यों लॉन्च किया गया है और इस ये कौन से फील्ड में लॉन्च किया गया है अब जब तक ये नहीं जानेंगे हम लोग कि कितने फील्ड्स होते हैं कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के और उन सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स में इंडिया ने ग्रोथ किया है किसमें ग्रोथ नहीं किया तब तक, तक हम नहीं जान पाएंगे सरकार का पीएलआई स्कीम क्यों इम्पोर्टेंट है यस yes. जब भी मैं मेक इन इंडिया ये क्या कहते हैं पीएलआई स्कीम की बात कर रहा हूं मैं अभी आज देख रहा हूं तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की याद आ रही है ओके okay. और जब भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की याद आ रही है इकोनॉमिक एक क्रूशल सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर तो मुझे यूपीएससी का एक दिया हुआ क्वेश्चन याद आ रहा है 2014 का मेंस का 2014 का मेंस ये सवाल निकला था और कल मैं दूंगा आपको 2018 का मेंस का दोनों का एक ही एक ही बैकग्राउंड है क्वेश्चन का एसेंस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन का एसेंस रिपीट हो रहा है आज दो का देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ठीक है वो लुक नॉर्मली कंट्री शिफ्ट फ्रॉम बताने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है थोड़ा पहले सुन लीजिए ये चीज ठीक है डोंट बी इन हरी नॉर्मली कंट्री शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन रिलेटेड टू सर्विसेज ओके नॉर्मल कंट्रीज एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री शिफ्टिंग होती है इकोनॉमी की ठीक है मतलब इकोनॉमी में कौन से सेक्टर का ज्यादा आउटपुट uh, रहता है शेयर रहता है एंड देन टू सर्विसेज ट इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस ओके इंडिया का स्पेशल केस भाई हर जगह रहता है यहां भी है यानी बाईपास हो गया मैन्यूफेक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर बाईपास हो गया वॉट आर द्रोथ इन सर्विसेज विथ सर्विस इंडस्ट्री इन द कंट्री ओके इसमें क्यों ग्रोथ हो गया इसमें क्यों नहीं ग्रोथ हो गया क्यों नहीं ग्रोथ हो पाया वॉट इट कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ अस्ट्रॉग इंडस्ट्रियल बेस जैसे ही मैंने ये सवाल देखा मुझे पी एल आई स्कीम याद मुझे पी एल आई स्कीम याद आया मुझे मेक इन इंडिया याद आया ये सारे स्कीम्स इंडिया दो हजार नौ से मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई जा रही थी नेशनल मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी एन एम पी उसके बाद आया मेक इन इंडिया उसके बाद अभी आ रहा पी एल आई स्कीम इंडिया बेचैन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और आज भी पीआईबी में न्यूज है पीएलआई स्कीम के अलावा एक और भी न्यूज है कैपिटल गुड्स सेक्टर हम देखने वाले हैं तो आप बताइए स्टूडेंट्स क्या ये टॉपिक आपको किसी किताब में मिलेगा मुझे बताइए ठीक है ओके इट्स बफरिंग ओके ओके टू मिनट्स मिनट्स इट्स क्लियर नाउ कोई दिक्कत होगी बताइएगा थोड़ा नेटवर्क में परेशानी चल रही है कल से ही ठीक है आई सपोज इट्स ओके नाउ ठीक है तो मैं बस इतना बोल रहा हूं नॉर्मली कंट्री शिफ्ट फ्रॉम देखिए इंडियन ये इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है 2014 का मेंस का सवाल है ठीक है का यही केस है students. अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर का आउटपुट देखिएगा जी में एग्रीकल्चर का आउटपुट देखिएगा पहले आज से सौ साल पहले चाइना में आउटपुट एग्रीकल्चर का मैक्सिमम था अभी इंडस्ट्री का मैक्सिमम आउटपुट यस सर्विसेज yes. का आउटपुट मैक्सिमम बनेगा दो हजार तीस के बाद यस yes. ठीक है यानी पहले ये बनता है किसी जगह पे फिर ये बनता है फिर ये बनता है तीनों सेक्टर्स अलग हैं हम बताएंगे तीनों सेक्टर्स के इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है इंडिया में क्या हुआ है? ये सवाल क्या पूछ रहा है इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज दैट मीन इंडस्ट्री द सेकेंडरी सेक्टर वॉज बाईपास्ट डू यू एग्री ये सवाल का यही मतलब है ठीक है अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों इंडिया ने बाईपास किया सेकेंडरी सेक्टर को क्यों बाईपास किया क्यों सर्विसेज पे पूरा फोकस आ गया क्यों सर्विसेज ग्रो कर गए इंडस्ट्री ग्रो नहीं किया और फिर पूछा जा रहा है कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल नहीं आंसर ही नहीं है इसका मीन्स नो इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस और इसी वजह से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दो मेक इन इंडिया दो और पीएलआई स्कीम 2020 लॉन्च किया गया है अब आपको लिंक हो रहा है करंट अफेयर्स टेल मी आपको लिंक हो रहा है करंट अफेयर्स समझ में आ रही है बात टेल मी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करे उसके लिए क्या नहीं कर, किया जा रहा है भारत में एट प्रेजेंट पिछले पंद्रह वर्षों से पूरा फोकस शिफ्ट कर गया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बट स्टिल सर्विसेज इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ग्रोइंग गॉट इट और यही वजह स्टूडेंट्स की ये सवाल में तुरंत लिंक हो रहा है यहां से पी स्कीम ये देखिए पी स्कीम अभी मैंने बताया और ये पी में एक और न्यूज है आज का जो यहां लिंक हो रहा है ये देखिए पीएलआई स्कीम ठीक है और ये देखिए पी में एक न्यूज है आज का ये देखिए जस्ट अ मिनट इनफैक्ट कल का ही न्यूज था आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कैपिटल गुड्स सेक्टर हम पढ़ने वाले हैं इसको एक कमिटी सेटअप की गई है अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आज मेरे बताने का केवल ये मैं ये पॉइंट से शुरू क्यों किया मैंने आज का सेशन बस इतना बताने के लिए कि इकोनॉमी को कभी भी स्टैटिक में पढ़कर खत्म ना कर, कर दीजिएगा इकोनॉमी में जितना डायनामिज्म चाहिए उतना किसी भी फील्ड में नहीं चाहिए यूपीएससी के मेन्स में और इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा पी और न्यूज के साथ में इंडियन इकोनॉमी के लिए आप देखिएगा इस बार जितने आएंगे सब के सब पिछले वन एंड के करंट अफेयर से आएंगे अगर मान लीजिए कहीं करंट अफेयर्स के न्यूज में होगा इसीलिए सवाल वहां से आया है आर यू गेटिंग इट ठीक है तो ये देखिए यहां वायबिलिटी गैप फंडिंग ये भी लिंक हो रहा है क्या टर्मी टी गैप फंडिंग ठीक है जहां जहां वायेबल नहीं है प्रोजेक्ट मीन्स प्रॉफिट नहीं आएगा कंपनीज के लिए वहां पे एक फंडिंग uh, अमाउंट इस पे भी आज पीआईबी में न्यूज आया है ये देखिए वन, तो कुल मिलाकर ये मैंने शुरू क्यों किया आज का सेशन इस टॉपिक से बस ये कहने के लिए इंडियन इकोनॉमी एक, एक बहुत ही डायनामिज्म वाला टॉपिक है कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ में आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा कमांड होना जरूरी है और करंट अफेयर्स पे कमांड के लिए आपको रोजमर्रा जो इंडियन इकोनॉमी के फील्ड से टॉपिक्स आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट दो ऐसे फील्ड है जिसमें यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल करंट अफेयर्स गॉट इट क्लियर मैं फिर से बोल रहा हूं इंडियन इकोनॉमी और एनवायरमेंट ऐसे टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप करंट अफेयर्स मिस नहीं कर सकते तो अब आप बोलिएगा सर इंडियन इकोनॉमी जो जीएस पेपर थ्री में है ये शुरू कहां से किया जाए पढ़ना पहली बात तो एनसीआरटी की बात की जाती है एनसीआरटी से बेस बनता है यस ये जो शब्द आप पूछते हैं मेरे से प्राइमरी सेक्टर क्या है सर सेकेंडरी सेक्टर क्या है सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है सर ठीक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सर ये सब एनसीईआरटी से मिलेगा आपको इन शॉर्ट कंसेप्ट क्लैरिटी आपको यहीं से मिलेगा मैं इसीलिए कहता हूं अगर कोई पूछता है मेरे से दैट हाउ टू बिगिन यूपीएससी प्रिपरेशन आई टेल बिगिन विद एनसीईआरटी पॉलिटी एंड इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इफ यू बिगिन विद इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप शुरुआत एनसीईआरटी से कीजिए फिर आपको आपके लिए एक रेफरेंस बुक रहनी चाहिए एक कोई रेफरेंस बुक रेफरेंस बुक ऐसी रहे कि आपको इजी भी लगे पढ़ने में बॉक्सेस रहे उसमें कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन रहे और ज्यादा बल्कि भी ना हो क्योंकि वहां सवाल नहीं आने वाले हैं रेफरेंस बुक्स का एम क्या होता है देखिए दो एम होता है या तो वहां से क्वेश्चन आ रहे हो तो आप पढ़ते हैं उस किताब को यूपीएससी में ऐसा कोई बात ही नहीं है आपको कंसेप्ट क्लियर करना है इसके लिए क्या करना है आपको एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें प्रेजेंटेशन अच्छा हो बॉक्सेस हो ग्राफ्स हो ठीक है और अच्छे से लिखा गया हो इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू रमेश सिंह की किताब किताब आपको अच्छी लगती कि किताब अच्छी लगती है तो अच्छी है देखिए इसमें रमेश सिंह की नौशाद चेंगोदन की या मैक्रोहिल पब्लिकेशन की कोई और किताब अच्छी है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन आपको क्या अच्छा लगेगा किताब ओपन करके वहां पर सब में वही मैटर दिया हुआ है और किसी में से कोई सवाल नहीं आने वाला है मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको ठीक है क्लियर सी में से कोई सवाल नहीं आने वाला है सब में एक ही मैटर दिया है और इसका मतलब है कि आपको उसके आगे पढ़ना पड़ेगा आप रिलाई नहीं कर सकते हैं उस किताब के ऊपर कंप्लीटली तो इसके बाद क्या आता है रोल रोल पीआईबी का आता है और इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का रोल आता है यस पीआईबी का रोल क्या है सरकार के इंसेंटिव दैट्स इट इनिशियव जो अभी पी देखा पीएलआई स्कीम अभी आप देखेंगे आज वायबिलिटी गैप फंडिंग कल आपने देखा था इन अप्रोच आत्मनिर्भर भारत अभियान ये सब लिंक करना पड़ेगा बैठकर आपको यहीं पे क्रिएटिविटी आपकी काम देगी क्रिएटिविटी इनोवेशन दिस इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स इन जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी सेक्शन ठीक है तो मैं बोलूंगा कि रेफरेंस बुक जब भी लीजिए तो रेफरेंस बुक जब जाकर देख रहे हैं आप ना ठीक है या अगर आपको पीडीएफ उपलब्ध है अगर इन रेफरेंस बुक्स का ऑनलाइन जहां से भी आप अगर कहीं जाकर चेक कर रहे हैं तो गो फॉर गो फॉर चेकिंग इट फर्स्ट बिफोर परचेजिंग इट तो इतना बोलूंगा। क्योंकि परचेज करने के पहले आपको ये पता ये भी यही ये, ये मैं कहता हूं एटलस में भी पीपल मी विच इज द बेस्ट एटलस एटलस कोई खराब नहीं होता है। हम खराब या अच्छे होते हैं हम पर डिपेंड करता है हमें वो एटलस अच्छा लगता है कि नहीं आप बोलोगे सर ऑक्सफोर्ड एटलस बहुत सर एक जगह पे सारे प्लेसेस दिए हुए हैं तो मैं बोलता हूं ओरियंट स्वान जाके ले लो ओरियंट ब्लैक स्वान एटलस कितने बच्चे बोलते हैं सर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है मैं बोलता हूं ऑक्सफोर्ड ले लो जिससे भी आपका आपका कंसेप्ट क्लियर हो आपको अच्छा लगे पढ़ने में आपको उस किताब के साथ अगले डेढ़ से दो वर्ष बिताने हैं वन एंड हाफ टू इयर्स और इसके लिए आपको उस किताब से अफेक्शन होना चाहिए नहीं तो आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे ठीक है और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बोलता हूं इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस इन इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज एवरी ईयर जस्ट बिफोर द बजट पिछले एक साल का सर्वे और पुट पुटअप करता है पता है सबसे बढ़िया सोर्स मैं बता दूं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी का इकोनॉमिक सर्वे होता है इवन आपने पीआईबी से अगर कुछ मिस किया है आपने करंट अफेयर से कुछ मिस किया वहां पे आ जाएगा वहां लिंक करके देती है भारत सरकार कि मैंने यह अप्रोच क्यों अपनाया इकोनॉमिक सर्वे दो वॉल्यूम में आता है वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम वन इज फोकसिंग अपॉन द स्ट्रेटजीज वॉल्यूम टू इज फोकसिंग अपॉन द डेटा यस ठीक है क्लियर <laughs> तो इतना समझ लीजिए कि यह तो आपको करना पड़ेगा भाई इतना और इंडियन इकोनॉमी में किसी एक किताब के ऊपर एलाई करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं यू आर गॉन केस इन यूपीएससी लेट मी टेल यू अब देखा होगा जैसे ही सवाल जैसे ही टॉपिक आ रहा है सब्सिडी के ऊपर मैंने पूरा सब्सिडी पढ़ाया आप लोगों को जैसे टॉपिक आया पीडीएस के ऊपर मैंने पूरा पीडीएस पढ़ाया आप लोगों को फर्टिलाइजर सब्सिडी भी टॉपिक आया इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पूरा फर्टिलाइजर सब्सिडी से क्या इंपैक्ट पड़ रहे मैंने पढ़ाया आपको यही वजह मैं बार बार कहता हूं इंडियन इकोनॉमी का बैकग्राउंड चेक कीजिए 360 डिग्री अप्रोच लेकर चलिए तभी जाकर आप टैकल कर पाइए तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स आई होप यू गॉट सम क्रूशियल साइट अबाउट इंडियन इकोनॉमी लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ठीक है लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको क्रूशल इन मिले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो ठीक है एग्रीकल्चर का पोर्शन में बताऊंगा कल कैसे कवर करना है डोंट वरी तो चलिए तेरह नवंबर 2020 का करंट अफेयर शुरू करते हैं उसके पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड ठीक है लास्ट टेन ईयर से ऑफलाइन मेंटरिंग और लास्ट थ्री मंथ से ऑनलाइन मेंटरिंग ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ठीक है रेफरेंस बुक नेसेसरी है कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपका इकोनॉमी में जरा सा भी साप्ट क्लियर हो गया तो इकोनॉमिक सर्वे दो तीन साल का सफिशियंट होगा पूरा समझने के लिए मैं बता दूं आपको ठीक है सर्वे कैसे स्टडी करना है किसी और दिन के लिए रखिए अभी ठीक है अभी तो रोज मुझे आना ही है यहां पढ़ाने के लिए ठीक है गॉट इट सो दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड यूपीएससी मेरा एक्सपीरियंस दो बार पर्सनलिटी टेस्ट देने का है दो में आई मिस्ड बाई मेयर टू मार्क्स ठीक है एंड इन एस आई वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स 143 मार्क्स 200 मार्क्स में हमारे समय दो सौ नंबर का ऐसे हुआ करता था एक सिंगल ऐसे आता था ठीक है तो ऐसे में अच्छे खास मार्क्स मैंने स्कोर किए लेकिन चार अटेम्प्ट में, चार मेन्स और दो पर्सनैलिटी टेस्ट फाइनल सेलेक्शन मेरा नहीं हो पाया इट वॉज देन दैट आई वेंट ऑन टू सी फॉर अदर ऑल्टरनेटिव आई गिव द स्टेट सर्विसेज और उसमें मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स के पद पर हुआ लेकिन इसके रिजल्ट्स लेट आए थे उसके दौरान आई वर्क एज एस बी आई प्रोबेशनरी ऑफिसर फॉर टू ईयर्स तो आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल माई अटेम्प्ट एस बी आई में मैंने काम किया उसके बाद स्टेट सर्विसेज में मैंने तीन साल काम किया और फिर मैंने रिजाइन किया सर्विस से रेजिग्नेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था और एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन था इट वॉज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ पीस वट एवर यू आर डूंग एंड आई फाउंड पीस देखिए सारी सर्विसेस अच्छी है लेकिन जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूं यहां पर वो मुझे सबसे अच्छी सर्विस लगी और इसीलिए मैंने यही चूज किया नन ऑफ योर डिसीजन आर बैड नो दे के नॉट बी बैड डिसीजन के हर डिसीजन के अच्छे या बुरे इंपैक्ट आते हैं कोई भी डिसीजन बुरा या अच्छा नहीं होता है कंप्लीटली ठीक है तो मेरा यही डिसीजन था एंड तब से मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ आप लोगों की कुछ टॉप मोस्ट फिफ्टी रैंक में भी कुछ बच्चे आए हैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए एंड एवरी ईयर एटलीस्ट फाइव टू सेवन पीपल दे गेट थ्रू ठीक है इन एवरी ईयर फाइनल लिस्ट दिस इज माई टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग अंडर स्कोर सिंह इस पे पी डी एफ लेने के लिए आई है ठीक है ये, ठीक है मेरा फर्स्ट लेक्चर 12 अगस्त से शुरू हुआ था यहां पे ठीक है तो पीडीएफ ले लीजिए यहां पर आगे टेलीग्राम पर और मैं एडवाइस करूंगा आपको डाउनलोड की जाना अकेडमी लर्निंग ऐप सब्सक्राइब कीजिए प्लस प्लेटफॉर्म पर जिनको चाहिए डेली लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स से जिनको चाहिए रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड लाइव क्लासेज एंड मॉक टेस्ट एंड क्विजेस इन शॉर्ट वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट्स और सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तैयारी कभी कभी भी रुकेगी नहीं एंड uh, जिन बच्चों को एक मेंटरिंग चाहिए अलग से उनके लिए आईकनिक मेंटरशिप प्लान जब जिसमें आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा डेली डाउट क्लैरिफिकेशन डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सो प्लस एंड आईकनिक टू ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड एक चीज याद रखिए यूज अनुराग एज द डिस्काउंट कोड टू गेट 10% परसेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड ऑल्सो गेट माई नोट्स बुकलेट्स रिगार्डिंग एवरी थिंग एंड पी फ्री बुकलेट्स एंड पीडीएफ आपको एनसीआर और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा एंडलेट्स इंटीग्रेटेड एन स्टैटिक अलग क्या है प्लस पे स्टैटिक से कर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे करेंट से स्टैटिक की तरफ हम जाते हैं ठीक है तो ये देख लीजिएगा और अनुराग डिस्काउंट कोड के रूप में इस्तेमाल करना है आपको इसके लिए ठीक है और मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए ठीक है तो दिस इज द सब्सक्रिप्शन एंड ये मेरा अन अकेडमी ऐप पे प्रोफाइल है अनुराग आईएमएस सर्च करना है फॉलो करना है आपको दैट्स इट ठीक है क्लियर ये देखिए मेरा प्लस कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस पे और पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे लॉन्च हुआ है 28 सितंबर से, से ही ठीक है रेफरल कोड इज अनुराग चलिए आज का तेरह अगस्त का सॉरी तेरह नवंबर का न्यूज देखते हैं आज ठीक है थर्टीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी द हिंदू द इंडियन से क्रुशियल कोड इंटरलिंग अप्रोच इंटेंसिव नोट मेकिंग और मैं बता दू आज मैक्सिमम न्यूज इंडियन इकोनॉमी का है पिछले दो तीन दिन से इसी फील्ड से न्यूज आ रहे हैं लेट अस सी तो करंट अफेयर शुरू करने के पहले मेरा एक कोट करंट अफेयर्स स्टडी करना है रीड नहीं करना है कोरम मत पूरा कीजिए अगर करंट अफेयर्स कोरम पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं कि तो टॉपर ने कहा है हिंदू पढ़ना है तो मैं पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आप अपने ऊपर इसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स हमें टैकल करना है पढ़ना है टॉपर ने कहा है मन नहीं लग रहा पढ़ने में फिर भी आप पढ़ रहे हैं नहीं जाएगा दिमाग में कुछ भी और चला गया तो कुछ लिख नहीं पाओगे फिर उसके बाद इसकी जगह पे इंटरेस्ट जनरेट करो करेंट अफेयर्स में इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए डिकोड इंटरलिंक अप्रोच जो यहां फॉलो करते हैं एंड यस सिलेबस निकालो इसके लिए सिलेबस निकालना पड़ेगा एक्टस निकाल निकालना पड़ेगा एंड यस yes, खुद को भी बैठाना पड़ेगा चेयर के ऊपर जैसे मैं बैठा हूं यहां पे चेयर के ऊपर आपको चेयर पे बैठना पड़ेगा एंड यस yes, एंड टू नोटबुक्स। चलिए शुरू करते हैं लेट्स टेक ऑफ टूडे सेशन आई होर रेडी रेडी बताइए मुझे चैट बॉक्स में तो चलिए रनिंग नोट्स लेने के लिए तैयार रहिए शुरू हो जाइए रनिंग नोट्स बनाने हैं आपको साथ में मेरे साथ रनिंग नोट्स बनाने हैं तेरह नवंबर का पहला न्यूज गवर्नमेंट रोल्स आउट रूपीज वन पॉइंट वन नाइन लैक करोड़ स्टिमुलस ओके आत्मनिर्भर भारत अभियान फेज थ्री इंक्लूड्स स्कीम्स टू इंसेंटिवाइज जॉब क्रिएशन एंड री एम्प्लॉयमेंट ओके अब बूस्टर डोज फ्रेश स्टिमुलस स्टेप्स अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर जॉब्स पे फोकस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना तो पहला पॉइंट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च किया गया ठीक है सेकेंड पॉइंट फार्मर्स टू गेट फर्टिलाइजर सब्सिडी ओके फर्टिलाइजर सब्सिडी फार्म सेक्टर के लिए ठीक है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना पीएम गरीब कल्याण योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना इसमें पैसे एक्स्ट्रा रखे गए हैं ठीक है आप ध्यान से सुनते रहिएगा आप बोलेगा सर ये स्कीम इंपॉर्टेंट है क्या स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है ये कौन से सेक्टर में लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी किसके लिए बताइए फार्म के लिए एग्रीकल्चर के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ठीक है मनरेगा मनरेगा के के साथ में एंड फोर्थ प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए यस अब इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर ये सारे वर्ड के मतलब आपको एनसीईआरटी में मालूम चलेंगे क्लास इलेवंथ एनसीईआरटी जाकर आज पढ़ लीजिएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास इलेवंथ एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे जरूर पढ़िएगा करंट अफेयर्स बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ठीक है नेक्स्ट यहां देखिए यहां आप इसके अलावा स्ट्रेस्ड सेक्टर्स में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम स्ट्रेस्ड एरियाज ओके स्ट्रेस्ड सेक्टर्स जिसमें परेशानी चल रही है और हेल्थ केयर सेक्टर भी है और ट्वेंटी सिक्स अदर सेक्टर है आइडेंटिफाइड यानी जब खराब फेज आएगा किसी सेक्टर के लिए खराब फेज आ रहा है उसमें सरकार आकर कह रही है घबराओ मत हम हैं यहां पर ऐसे तुम्हें खुली छूट दिए थे यू आर हैविंग अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी But the moment you are going down, I am coming here. I am the government of India. And this is called a mixed economy approach. I will always come whenever you face bad times in the economy. Yes. This is Keynesian approach in economics. Yes. Keynesian approach. Mainne already hua hai. Keynesian approach takes into ambit both the approaches of Adam Smith, that is, free market and. मार्क्सियन अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज पर दिस थेरी एज पर दिस थेरी इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू द मार्केट सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए बट द मोमेंट द बट द मोमेंट द इकोनॉमी गोज इन रिसेशन द बैड टाइम्स कम गवर्नमेंट शुड स्टेप अप इट्स सपोर्ट बाय इंक्रीज स्पेंडिंग अपने खर्चे बढ़ाकर सपोर्ट सबके पॉकेट में पैसा डालकर सपोर्ट जब पॉकेट में पैसा जाएगा तो लोग खर्च करना शुरू करेंगे लोग खर्च करना शुरू करेंगे ध्यान दीजिएगा तो डिमांड ड्राइव होगा एग्री कर रहे हैं और जब डिमांड ड्राइव होगा डिमांड जैसे आपके पॉकेट में किसी ने कोई आया और बोला कि चलो यार बीस हजार रुपए डाल दे रहे है तुम्हारे पॉकेट में आप बढ़िया बीस हजार रुपये इतनी अच्छी बात है कोई पूछेगा क्या करोगे अब इसका आप बोलेगा नया अचानक से पैसा आया है खर्च करेंगे आईफोन खरीदेंगे कोई कहेगा पचास हजार का आईफोन आता है आप बोलिए कोई बात नहीं तीस हजार लोन ले लेंगे आज कोई और बीस हजार दिया है, कल कोई और बीस हजार रुपए देगा इन शॉर्ट कम से कम आपका डिमांड बूस्टअप हो जाएगा आपकी तरफ से ठीक है आप पैसे खर्च करना शुरू करोगे और जब पैसे खर्च करोगे तो कॉमोडिटीज का डिमांड बढ़ेगा वो कॉमोडिटीज मोबाइल फोन हो सकती है लैपटॉप हो सकता है जिस क्या कहते हैं वाई हो सकता है खाने चीजें हो सकती हैं और अगर डिमांड बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड इट विल ड्राइव द जी डी पी डू यू एग्री टेल मी डिमांड विल लीड टू राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन राइज विल लीड टू ड्राइव इन जी डी पी जीडीपी का मतलब क्या है आउटपुट बढ़ना चाहिए बस पिछले साल जितनी चीजें प्रोड्यूस हुई थी जितने पैसे की उससे ज्यादा इस दैट्स इट ठीक है Clear? <laughs> बात समझ में आ रही है अब समझ में आया कि अब ये टॉपिक कहां लिंक करना है कोई सवाल आ गया स्टूडेंट्स पहला पॉइंट मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट मेंस में सेकंड कोई सवाल आ गया गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे कोई बोलेगा इंडिया हैज मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म नो आई डोंट एग्री बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे इंडिया आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच फॉलो कर रहा है ये शो कर रहा है इंडिया कहां छोड़ रहा है भाई आपको आप प्राइवेट सेक्टर को कहां छोड़ रहा है आपको अकेला नहीं सरकार के लिए मैं आके सपोर्ट करूंगा ठीक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनफैक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमारे संविधान से ही कंसेप्ट राइज किया गया वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ये सरकार हर जगह आएगी आपको आगे बढ़ाने के लिए ठीक है गॉट इट क्लियर थर्ड पॉइंट हैव ए लुक थर्ड पॉइंट डोंट यू थिंक डोंट यू थिंक नीजन अप्रोच पर अगर कोई सवाल आ गया तो आप इसे लिंक कर सकते हैं yes. ये वही बात हो गया कि आपके पर्स में देखिए आपके पर्स में सरकार एक्स्ट्रा पैसा डाल रही है ठीक है आप कौन से लोग हैं देखिए आप अनएम्प्लॉयड पीपल हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत आप फार्मर हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के तहत एक्स्ट्रा मनी इन योर पॉकेट एक्स्ट्रा मनी इन योर पॉकेट ठीक है बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स मुझे बताइए जब एक्स्ट्रा मनी आएगा तो क्या स्पेंडिंग बढ़ेगा स्पेंडिंग बढ़ेगा तो क्या डिमांड ड्राइव होगा टेलमी भाई आज एक लाख रुपए कमा रहे थे या आप पचास हजार रुपये कमा रहे थे आपको अचानक से पचास हजार एक्स्ट्रा आ गया डिमांड बढ़ेगा इससे ठीक है क्लियर कैसा इनडायरेक्टली ड्राइव हो रहा है जीडीपी सरकार के सपोर्ट से अब आप बताइए स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन है पूछा गया है मेरे स्टूडेंट्स लोगों से ठीक है पूछा गया एक क्वेश्चन कि कैन यू इवन इमेजिन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री ग्रोइंग विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट मी क्या आप किसी भी देश की इकोनॉमी को गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना इमेजिन कर सकते हैं मुझे बताइए हम बार बार कहते हैं प्राइवेट सेक्टर हम बार बार कहते हैं प्राइवेट सेक्टर रिप्लेस करेगा पब्लिक सेक्टर को हम बार बार कहते हैं यूएस इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इट अ ट्रूली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नो इज फॉलो द फ्री मार्केट अप्रोच हंड्रेड परसेंट नो आज कोविड नाइनटीन के समय आप बताइए कौन वैक्सीन खरीद रहा है प्राइवेट कंपनीज खरीद रही है नहीं बना रही है खरीद कौन रहा है सरकार आर यू गेटिंग इट साफ साफ दिख रहा है ग्लोब नॉर प्योर सोशलिज्म और गवर्नमेंट सपोर्ट इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी अप्रोच जो इंडिया फॉलो करता है इसका साफ मतलब इंडिया से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई देश नहीं है यस yes. शुरुआत से ही तो क्या ये न्यूज क्लियर हुआ स्टूडेंट्स चलिए सेकेंड न्यूज पे चलते हैं ठीक है यस yes, मैं आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिएगा चाइना का मैं एग्जाम्पल दे दूंगा ठीक है आप रशिया का लीजिएगा रशिया का मैं दे दूंगा एग्जाम्पल चाइना अ ऑफ सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म सरकार गवर्न करती है प्राइवेट कंपनीज लेकिन प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सकती है दैट्स इट सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म इंडिया बिल्कुल मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच फॉलो करता है और वहीं रशिया में कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म है ठीक है बताएंगे ठीक है आगे चलकर किसी ना किसी सेशन में ठीक है तो ये देखिए देखिए ये सपोर्ट के पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव्स भी होते हैं लेकिन मैंने क्या क्या, क्या कहा डिसीजन शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस क्या प्रायोरिटी है अभी इसका असर पड़ेगा सरकार के ऊपर आपको भी लग पता है ना बजट पे असर पड़ेगा ठीक है फिजिकल डेफिसिट पे असर पड़ेगा बट व्हाट टू डू अभी यही डिमांड है प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस की दैट्स इट सेकंड न्यूज इंडियन इंडिया आसियान समिट कोहेसिव रेस्पॉन्सिव आसियान मस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन रीजन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं मैंने कल ये टॉपिक पढ़ाया है आप लोगों को जैसे ही जैसे ही ध्यान दीजिएगा इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रिलेशन आएगा इंडिया और दक्षिण पूर्वी एशिया एशिया के रिलेशन आएंगे आपको ये न्यूज लिंक करना है जैसे ही पंचशील पे कोई टॉपिक आएगा पंचशील बहुत न्यूज में चल रहा है मुझे पंचशील के प्रिंसिपल्स लिखिए अभी चैट बॉक्स में ठीक है अभी लिखिए पंचशील के प्रिंसिपल्स ठीक है फाइव प्रिंसिपल्स आई वांट इस पर बहुत न्यूज आ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टेरिटोरियल सॉरी सोवरेनिटी सब स्टेक पे है चाइना के कारण ठीक है पंचशील लिखिए तो मैं बताऊंगा आगे मैं क्यों यहां पूछ रहा हूं नेक्स्ट इंडो पैसिफिक पे कोई क्वेश्चन आएगा आपको ये लिंक करना है और इंडिया आसियान के ऊपर कुछ आएगा सवाल आपको लिंक करना है मैंने कल भी बताया ये टॉपिक ये देखिए आसियान 1967 में बनाया गया टेन कंट्रीज का ग्रुप इसके और देश जुड़ गए हैं छह और देश जुड़ गए हैं ठीक है सिक्स कंट्रीज अप और वो आसियान के साथ समिट करते हैं इंडिया भी उसमें है आसियान के साथ समिट करता है हर साल ठीक है इसमें कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये देखिए फाउंडिंग मेंबर्स और उसमें कुछ बाद में ऐड हुए मेंबर्स लेकिन 10 मेंबर्स ही हैं उसके एक्स्ट्रा में कोई नया मेंबर नहीं है ठीक है यू कैन सी दिस द 10 मेंबर्स क्या ये साउथ ईस्ट एशिया इंडिया के ईस्ट में है यस यू कैन सी इट हियर क्या ये चाइना के साउथ में यस yes. क्या यही बेल्ट है जिसका नाम है साउथ चाइना सी वियतनाम के पास टेल मी आपने ये मार्क किया है शायद दो महीने से हम लोग जितना इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वेस्ट एशिया को और इस रीजन को उतना यहां के लोग भी नहीं पढ़ रहे होंगे ठीक है ओके म्यूचुअल रिस्पेक्ट नॉन एग्रेशन नॉन इंटरफेरेंस इक्वालिटी पीसफुल को ओके ओके ये आ, इंडिया ने कब दिया था ये पंचशील के प्रिंसिपल्स नाइनटीन फिफ्टीज में ठीक है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रोपोज दीज प्रिंसिपल्स इंडिया की तरफ से ठीक है अब मैंने यहां क्यों पूछा आपसे क्या इन्होंने कहीं भी ये मैंशन किया है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर एग्जाम्पल क्या इन्होंने कहीं किया कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी केवल लैंड की जमीन के ऊपर फोकस है नो इन शॉर्ट इंडिया ने उसी समय कहा था ध्यान दीजिएगा इंडिया ने उसी समय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे फोकस करवाया था इसका मतलब था टेरिटरीज इन ऑन द लैंड इन द सी आर यू गेटिंग इट और क्या दोनों जगह पे चाइना एग्रेशन शो कर रहा है मी इस पे सवाल आया हुआ है सी में साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स हैं। साउथ चाइना सी का पूरा पोर्शन ही चाइना क्लेम करता है ठीक है ठीक है साउथ चाइना सी में पूरा पोर्शन ही चाइना क्लेम करता है ये पूरा पोर्शन इसको वो कहता है नाइन डैश लाइन मैं बता रहा हूं कैसे ध्यान दीजिएगा दिस इज वॉट चाइना सेज दिस दिस इज़ इज़ वियतनाम चाइना यहां पे बाउंड्री बनाता है ऐसे वन वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश सेवन डैश एट डैश नाइन डैश कहा गया ये क्या है कहने का डैश दिखाई नहीं दे रहा है क्या डैश है ये कहा गया कहां पे डैश है बोला कि ओशन में डैश है लेकिन डैश का मतलब क्या उसने कहा लाइन है नाइन डैश नाइन मैंने डैशेस बनाए हैं नाइन लाइंस बनाए हैं मैंने बाउंड्री डिमार्केट करने के और इसके अंदर का पूरा पोर्शन मेरा है दिस इज द इन द शेप ऑफ अ काउज टंग यस काउज टंग गाय की जीप की तरह <laughs> उसके बाद चाइना ने कहा कि अब ये पूरा पोर्शन मेरा है फिलिपाइंस ने कहा लेकिन मेरी जमीन बगल में है भाई वियतनाम ने कहा मैं तो बगल में ही बैठा हूं चाइना ने कहा तुम बगल में बैठे रहो तुम फिलिपाइंस हो तुम मलेशिया हो तुम ब्रुनेई हो तुम वियतनाम हो बट ये पूरा पोर्शन मेरा है तो मेरा है इसके अंदर कुछ आइलैंड्स हैं आइलैंड्स नेम्स स्प्रैटली आइलैंड्स पैरासेल आईलैंड और ये जो जो पोर्शन में बात कर रहा हूं ये साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है साउथ चाइना सी और क्या पंचशील को रिस्पेक्ट यहां भी देना चाहिए टेलमी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स क्या पंचशील आज भी रेलिवेंट है टेरेटरीज इन द सी मस्ट बी रिस्पेक्टेड यस ठीक है टेरेटरीज इन द सी मस्ट बी रेस्पेक्टेड पंचशील पंचशील इज स्टिल रेलिवेंट टूडे जब जब चाइना की बात आएगी पंचशील चाइना के एग्रेशन की बात आएगी पंचशील सामने आएगा वहां पे ठीक है क्लियर बहुत ज्यादा यहां पे बहुत मींस मैं बता दूं आपको ये पूरा जो बेल्ट है ना इसमें स्प्रेटली और पैरासेल आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको इसके अलावा शोल है ठीक है आप बस इसको एक बार उथ चाइनागा मतलब नहीं, नहीं हो रहा आसियान इज नोन फॉर ट्रेड फ्री ट्रेड एरिया मैंने कल बताया था बट टूडे द टॉक इज ऑफ ध्यान दीजिएगा टॉक किसके ऊपर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ बोथ सिक्योरिटी क्या इंडिया आसियान समिट आपको नहीं दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल टेंज भी दिया हुआ है अब एट प्रेजेंट सिक्योरिटी का टेंज यस पहले केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन था अब आज सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात चल रही यस ऑल बिकॉज ऑफ अ कॉमन थ्रेड कॉल्ड एज चाइना दैट्स इट ठीक है नो <laughs> no, पंचशीलिस प्रिंसिपल्स फाइव प्रिंसिपल्स फाइव सिद्धांत ठीक है सिद्धांत पे चलना भारतीयों का कर्तव्य है और शुरू से ही कंसेप्ट रहा है यस प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच आप बोलेगा सर ये सिद्धांत मैं तो नहीं फॉलो करता आप फॉलो करते हैं स्टूडेंट आपको परिवार में सिखाया जाता है इसी को मॉरल वैल्यूज कहा जाता आप है आप फॉलो करते हैं जब कोई मेहमान आता है तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं मैं एक एग्जाम्पल साइट कर रहा हूँ जब कोई प्यासा आता है आपके घर पे तो आप उसे पानी पिलाते हैं वैल्यूज सिद्धांत आप जब फॉलो करते हैं तो वी एज होल कंट्री एज नेशन फॉलो सम प्रिंसिपल्स फाइव इन नंबर दैट्स इट ठीक है तो समझ लीजिए ठीक है फिलीपाइन और वियतनाम सब क्लेम कर आप देखिए वहां पे पूरा कंडीशन खराब हो चुका है उस बेल्ट में साउथ चाइना सी में ये देखिए चाइना यहां क्लेम कर रहा है फिलिपाइंस बोल रहा है मेरा भी क्लेम लाइन है भाई यहां पे जब चाइना क्लेम करेगा तो मैं क्यों चुप बैठूंगा ये मैं यहां क्लेम कर रहा हूं ये पूरा पोर्शन मेरा है दिस पोर्शन दिस पोर्शन उधर वियतनाम कह रहा है ये पूरा पोर्शन मेरा है कंडीशन इतनी खराब हो गई इधर मलेशिया कह रहा है ये पूरा पोर्शन मेरा है किसी को यही नहीं पता है किसका कौन सा पोर्शन है यहां पर किसी को यही नहीं पता है कि किस टेरेटरीज की बात चल रही है यहां पर और यूएस आकर कह रहा है नहीं नहीं मैं भी हूं भाई यहां पे। I am coming US की बार बार देखी गई हैं और चाइना इसी पे बहुत ही इंटरवीन कर रहा है कह रहा why is US out है US कह रहा, बस आ थे यहां। That's it. है क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट इट क्रूड ऑयल यहाँ पाया गया है हाइड्रोकार्बन पाया गया नेचुरल गैस पाया गया इसीलिए इसे इतना ज्यादा फोकस है लेकिन इंडिया क्यों इतना इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है वाई इज इंडिया इंटरेस्टेड इंडिया इसलिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट इंडिया फोर्टी परसेंट गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाई साउथ चाइना इंडिया को यही परेशानी है कल को अगर कोई एक कंट्री इस पर क्लेम लगा दिया तो इंडिया का पूरा जो एक्सपोर्ट होता है टुअर्ड्स यूएस टूवर्ड्स कैनेडा टूवर्ड्स साउथ अमेरिका टूवर्ड्स जापान टूर्ड्स साउथ कोरिया फोर्टी परसेंट गुड्स का एक्सपोर्ट सब पे सवाल खड़ा हो जाएगा डू यू एग्री ठीक है ठीक है और यही वजह यहां पे एक टॉपिक आ रहा है प्रॉब्लम में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज कमिंग इन प्रॉब्लम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दिस इज इंडिया इज इंडिया का मेजर एम है और यही मेजर एम आसियान का भी है इसीलिए ना अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इंडिया एंड आसियान आर ऑन द सेम पेज दे वांट नेविगेशन फ्रीडम इन द साउथ चाइना सी चाइना का है जिमोनेस्टिक अप्रोच है यहां पे ऑटोक्रेसी वाला यूएस का भी अप्रोच कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है आपने देखा होगा उसकी शिप्स जब तब यहां आ जाती हैं ठीक है, है? क्यों यहीं पे प्रेजेंट रहती हैं उसकी इज अ प्रॉब्लम आउट परिप्स ठीक है तो समझ लीजिए समझ लीजिए यहाँ पे यूएस और चाइना के ऊपर शक की सुई जा रही है ठीक है सस्पिशियस अबाउट चाइनाज अप्रोच अबाउट यूएस अप्रोच इन दिस बेल्ट बट यस इंडिया आसियान आर हैविंग आर ऑन द सेम पेज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर और आप बोलेगा सर, से का क्या वास्ता, ट्रेड, ट्रेड से यही ट्रेड पता है जो यूएस जाता है कनाडा जाता है जो जिस क्या कहते हैं साउथ अमेरिका जाता है इसमें बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं इन शॉर्ट इंडिया का फॉरिक्स भी आता है इसी से इन शॉर्ट ये पूरा पाइवट है इंडिया के ग्रोथ का डू यू एग्री टेल मी इन द चैट बॉक्स साउथ चाइना द फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट बताइए मुझे ठीक है तो इतना समझ लीजिए यस yes. यहां पे चाइना एक और कनाल बनाने की बात कर रहा है बहुत सारे देखिए यहां पे बहुत प्रॉब्लम्स है इस जगह पे भाई इंडिया भी इतना पीछे नहीं है इंडिया ने भी बहुत इंडिया आगे बढ़ गया है ठीक है इफ यू वांट टू सी इंडिया लुक इंडिया हैज इन्वेस्टेड विद वियतनाम इन साउथ चाइना सी अब इंडिया की भी शिप्स निकल जाती है घूमते हुए इधर ठीक है सेकेंड इंडिया इज इन्वेस्टेड इन चांगी बेस चांगी बेस पे चांगी नेवल बेस था यूएस का सिंगापुर में सी एच एन जी आई उसमें इंडिया का भी प्रेजेंस है एट प्रेजेंट तो वियतनाम के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन सिंगापुर के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन और अब जुड़ रहा है रिमेनिंग कंट्री से बहुत अच्छा कोऑपरेशन इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा यहां है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यहां पे है अंडमान आइलैंड्स का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर में इंडिया ने पहला ट्राई सर्विसेज कमांड ओपन किया है ठीक है ठीक है ट्राई सर्विसेज कमांड कोई बोलेगा आप सर ये सब टॉपिक क्यों बता रहे हैं क्योंकि अगर कोई पूछेगा क्या इंडिया रेडी है हैंडल करने के लिए चाइनीज है यस इंडियन ओशन में वी आर रेडी हम लोगों ने उतना उतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं ठीक है तो पहला वियतनाम कोऑपरेशन सेकंड चांगी बेस नियर सिंगापुर थर्ड पोर्ट ब्लेयर ट्राई सर्विसेज कमांड फोर्थ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस क्या ये नया ऑफिस ओपन अप किया गया लास्ट ईयर ये? मी। यस इतना ही नहीं इतना ही नहीं सुमात्रा आइलैंड ये इंडोनेशिया का यहां पे भी इंडिया ने एक पोर्ट लिया हुआ है सबांग सी पोर्ट इंडिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऐसा नहीं है कि इंडिया खाली बैठा हुआ है और उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज ठीक है यू कैन इमेजिन इन बे ऑफ बेंगाल ऑल दिस इज जस्ट टू प्रोमोट सेफ्टी इन साउथ चाइना सी इट क्लियर बात समझ में आ गई कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक जा रहा है इंडिया भी इसी जगह पे रोल प्ले कर रहा है यूएस भी कर रहा है यूएस कह रहा है मुझे और पूरे विश्व में कहीं क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। मुझे इसी बेल्ट में भैया भी यहीं पे है इंडिया भी यहीं पे है और उसके बाद वियतनाम फिलिपाइन सब इसी बेल्ट में ऑस्ट्रेलिया भी जापान भी कोरिया भी मींस खूब मजेदार यहां पर एक कोल्ड वॉर का कंसेप्ट राइज कर रहा है द न्यू कोल्ड वॉर द न्यू वर्जन ऑफ कोल्ड वॉर डू यू एग्री टेल मी ठीक है कंप्लीट तो ये जो आपने अभी पढ़ा ये शो कर रहा है कि इंडिया अब इस रीजन को इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए केवल नहीं देख रहा है अब इस रीजन को सेफ्टी बेनिफिट के लिए भी देख रहा है डिफेंस के लिए भी ये और ये प्राइम मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट यही बता रहा है कल का स्टेटमेंट ये देखिए ये देखिए सिक्योरिटी कोहेसिव रेस्पॉन्सिव आसियान रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव टूवर्ड्स होम फॉरेन पावर्स फॉरेन पावर्स की तरफ रेस्पॉन्सिव गॉट इट तो दैट सेट स्टूडेंट्स आई होप की टॉपिक समझ में आ गया आपको ठीक है फ्रॉम ट्रेड टू सिक्योरिटी आसियान आप कह सकते हैं <laughs> तो कल तो ये टॉपिक पढ़ा ही था हमने चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें आपने मैंने आपको टास्क दिया था फाउंडिंग मेंबर्स कौन है आसियान के ये आज दिख लीजिएगा कम से कम अगर कल आपने नहीं किया तो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान वट इज

ट ईस्ट देखिए ठीक है थर्ड न्यूज चलिए अब चलिए अच्छी बात है आप कभी उस बेल्ट को नहीं भूलिएगा साउथ चाइना सी को अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे भी नहीं भूलना है हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक फ्रॉग पाया गया है ठीक है यस एक फ्रॉग पाया गया है देखिए इंडिया कभी भी इतना याद रखिए इंडिया कभी भी डिफेंस में एक्सेसिव स्पेंडिंग नहीं करता है स्टूडेंट्स इसलिए फाइनेंस कमीशन को फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन को कहा गया था कि डिफेंस की फंडिंग कहाँ से की जाए इंडिया फॉलोज अप बस इतना अप्रोच क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस सुना है ना आपने यह अप्रोच इसे याद रखिएगा यह या आपके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत अच्छा यह अप्रोच देगा आपको उतनी चीजें खरीदनी है जिससे कि सामने वाला डर जाए उतनी चीजें रखनी जिससे सामने वाला डर जाए बर्बादी की चीजें नहीं रखनी है हमें ठीक है क्लियर तो हैव अ लुक पाकिस्तान इज शुड नॉट बी टॉकड ऑफ एनी ठीक है डेंट इवन नो फ्रॉम वेयर द रेवेन्यूज कमिंग कहाँ जाएगा पैसा बिल्कुल दिक्कत की बात है पाकिस्तान ने सिक्स बिलियन यूएस डॉलर लिए हैं चाइना से एंड थ्री बिलियन यूएस डॉलर लिए हैं यू ए से इमेजिन कीजिए कितनी उसका जी डी पी पूरा लोन पे ही चल रहा है इमेजिन कर लीजिए ठीक है अंडमान निकोबार आईलैंड में न्यू फ्रॉक जीनस ओके ठीक है इंडिया इंडोनेशिया और चाइना के लोग देखिए ये देखिए कितना बढ़िया देखिए न्यूज आ गया ये फ्रॉग बता रहा है कि इंडिया और चाइना को कोऑपरेट करना चाहिए चाइना के भी लोग आए थे यहां पे एक नया जीनस फाइंड किया गया है ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली ठीक है द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ अ ट्री फ्रॉग स्पीसीज फ्रॉम अंडमान आईलैंड तो प्रिलिम्स में तो मैं सवाल बता दे रहा हूं यहां से लेकिन मेंस में भी आप लिंक कर सकते हो ना भाई इंडिया चाइना आर में देखिए आगे बढ़ रहे हैं एनवायरमेंट में ठीक है क्लियर क्लियर अब देखिए यहां पर सवाल आएगा रिसेंटलीज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री रिसेंटली द फर्स्ट ट्री फ्रॉग स्पीशीज वॉज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री इट्स अंडमान आइलैंड्स दैट्स इट सिंगल लाइनर क्वेश्चन ठीक है इतना याद रखिए ठीक है सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट ये क्या अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं क्या आज आपका ये टास्क है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड उसमें इंडिया के कौन कौन से रीजनस हैं ये आपका प्रीलिम्स के लिए टास्क है आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसेप्ट सवाल आया भी है पहले इसके ऊपर ठीक है तो शायद ये पूरा बेल्ट है अंडमान निकोबार आई, निकोबार आइलैंड्स का पूरा बेल्ट आता है ठीक है देख लीजिएगा एक इंडो बर्मा में आता है और एक सुंदर लैंड में आता है देख लीजिएगा ठीक है प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यहां से लेकिन अगर आप बोलिएगा सर मेंस में क्या ये टॉपिक लिंक हो सकता है मैंने कुछ लिखा नहीं है यहां पर ठीक है क्योंकि आपके दिमाग पे मैं प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहता हूं ठीक है नहीं तो मेंस में भी मैं ये लिंक करूंगा टॉपिक मेंस में कहां पे ये देखिए इंडिया और चाइना ये देखिए एनवायरमेंट में बहुत जगह पे साथ बढ़ रहे हैं इंडिया एंड चाइना आर यू गेटिंग इट तो मेंस में भी आप लिंक कर सकते हैं डिपेंड्स ऑल अपॉन यू लेकिन प्रीलिम्स में तैयार कर लीजिएगा रिसेंटली ट्री फ्रॉग स्पीशीज नया पाया गया कहां पे अंडमान आइलैंड्स ठीक है चलिए आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आज द हिंदू का न्यूज है डी कोड इंटरलिंक अप्रोच हमें देखना है यहां पर न्यूज क्या देखिए चाइना बिगिन्स वर्क ऑन रेलवे अप टू अरुणाचल बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक चाइना ने रेलवे प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया ठीक है गॉट इट ये रेलवे प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था टू वीक्स बैक ये न्यूज आया था स्टूडेंट्स, ठीक है चेंगडू एक सिटी है चेंगडू अ सिटी इन सेंट्रल चाइना ये चेंगडू एक सिंगल सिटी नहीं है ये दो शहर हैं एक साथ चोंगकिंग चोंगकिंग अब नाम भी देखिए अजीब है स्पेलिंग भी मुझे नहीं आ रहा है चोंगकिंग चेंगडू ठीक है चोंगकिंग चेंगडू एक शहर है सेंट्रल चाइना में यहां देखिए यहां से ये बना रहा है चोंगकिंग एक अलग शहर है चेंगडू एक अलग शहर है चेंगडू से ये रेलवे बना रहा है टिल लाशा चेंगडू लाशा रेलवे कॉरिडोर क्या ये न्यूज देखते ही अब क्या यहां पे न्यूज के अंदर देखना है कौन कौन से शहर हैं बीच में नहीं ये न्यूज ये न्यूज केवल हम एक परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे न्यूज देखते ही हमें परस्पेक्टिव पता रहना चाहिए द परस्पेक्टिव इज वेयर कैन इट बी लिंक्ड डी कोड इंटरलिंक अप्रोच ये कहां लिंक करोगे बताइए मुझे चैट बॉक्स में ठीक है क्लियर यू लिंक दिस टॉपिक इन इंडिया चाइना रिलेशंस इंडिया चाइना के ऊपर कुछ भी सवाल आ जाए ट्वेंटी वर्ड्स यहां से निकालना है पुट अप करना है ठीक है इंडिया चाइना रिलेशंस क्योंकि क्या ये चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर ये देखिए यस ये अरुणाचल प्रदेश है ये देखिए यहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चलिए देखते हैं ये इस पूरे न्यूज को यहां देखते हैं हैव लुक ये इंडिया का मैप ठीक है मैप बनाने के लिए बहाना चाहिए है यूपीएससी में यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इंडिया मैप एटलीस्ट इन आई आर पोर्शन एज वेल ठीक है ठीक है ये देखिए दिस इज इट दिस इज द बांग्लादेश बेल्ट ठीक है आई एम वेरी सॉरी बांग्लादेश ठीक है ये कुछ टेरेटरीज यहां पर आ गई ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको कहते हैं सिलीगुड़ी बेल्ट कॉरिडोर क्योंकि नैरो बहुत नैरो है इधर भूटान इधर चाइना ठीक है चाइना का प्रेजेंस यहां तक ये देखिए भूटान है ठीक है यहां तक चाइना प्रेस ठीक है ठीक है तो ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बहुत पहले से ही चाइना की नजर थी क्योंकि कुछ मैं न्यूज बता रहा हूं आपको है बलो पहला पॉइंट दो लाम इश्यू दो का लाम स्पेलिंग है दो लाम कहते हैं उसको दो का लाम डिस्प्यूट सुना होगा आपने जर्मी पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट ये पहला इंसिडेंट हो शो कर रहा है सेकंड पॉइंट 1962 का वॉर भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन के लिए चाइना ने फाइट किया था वो अटैक वो करना चाह रहा था वो अटैक कर रहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के बेल्ट में वो क्लेम करता है अच्छे खासे टेरेटरी के ऊपर तो ये उन्नीस सौ का वॉर या दो लाम डिस्प्यूट रिसेंटली या थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट उसने यूल बी सरप्राइज स्टूडेंट्स ाइज ओवर ओवर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं दूसरा एक मैप बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं उसने क्या किया है अभी तक दिस इज फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया ठीक है ये देखिए यहाँ पे लाशा है इसी जगह पे लाशा दिब्बत का कैपिटल यहां है। एटलस में मार्क कर लीजिए, ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे, ठीक है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिलीगुड़ी जगह का नाम है कॉरिडोर मतलब नैरो बहुत नैरो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बहुत नैरो पैसेज है और ऐसे पैसेज पे ना एनिमी कंट्रीज दे फॉर एग्जाम्पल चाइना तो ये देखिए लाशा से उरुमकी तक ऑलरेडी रोड गया हुआ है स्टूडेंट्स ऐसे करके रोड आर यू गेटिंग इट मैं यहां पे कहां बना रहा हूं जो अक्साई चीन बेल्ट है वहां को टच करके ये रोड गया हुआ है यस yes. और अब ये चेंगडू से ये रोड बना देंगे ये लोग यहां तक इज चाइना प्रिपेरिंग इट इन दिस बेल्ट यस इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं तिब्बत को पामिर प्लेटो को पांच हजार मीटर अब, अब सी लेवल है ये यानी दिस इज द सी लेवल दिस इज द माउंटेन माउंट एवरेस्ट एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट मीटर्स ठीक है अभी भी इसके ऊपर सवाल है कि इतना है या इससे ऊपर है ये देखिए ये पामिर प्लेटो इतना बड़ा इतना ऊपर वहां पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन अपने आप में इम्पॉसिबल टास्क आर यू गेटिंग इट मी स्टूडेंट्स क्या ये इंडिया चेंगडू लाशा और उरुमकुई रोड उरुमकुई मैंने बताया हुआ है शहर आप लोगों को क्या ये मार्क हो गए सिटीज मुझे चैट बॉक्स में यस पुट इन कीजिए मी ठीक है उरुमकुई से चेंगडू तक रेलवे और एम क्या है ये देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर पूरा फोकस उसका बहुत एग्रेशन वो शो करता है इस बेल्ट पे सिक्किम के आसपास की एग्रेशन शो करता है ठीक है और यही दिक्कत है ये जो इतनी इतनी कम वेट है इसी का फायदा वो उठाता है दिस इज वाई फॉर इंडिया दिस बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इंडिया इस बेल्ट पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है सिलीगुड़ी बाग डोगरा कॉरिडोर सुना है आपने सिलीगुड़ी बाग डोगरा बेल्ट अभी भारत का बहुत ज्यादा फोकस इस बेल्ट पे है ये शहर है वहां के देख लीजिए कंटेनमेंट एरिया है बैगडोगरा ठीक है तो बस समझ लीजिए ये से लाशा लाशा से चेंगडू एक्सेस रेलवे का अपने आप में एक बहुत इंडिया के लिए एक डेंजरस इनपुट चाइना की तरफ से बट यस इंडिया इज प्रिपेयरिंग इट सेल्फ वेल इंडिया की तरफ से यहां पे अटल टनल का इनोग्रेशन हिमाचल प्रदेश में या यहां पे एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट स्टिप्स का इनोग्रेशन एयर स्टिप्स का यहां पे ढोला सादिया ब्रिज सुना होगा आपने ये सारी चीजें ये सब बन बनाई जा रही हैं। एम क्या है आपको लग रहा होगा एम केवल इकोनॉमी है इन्वेस्टमेंट है नो एम इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी दिस बैल्टी यस गॉट इट दिस इज पामीर प्लेटो स्टूडेंट्स ये पूरा बेल्ट पामीर प्लेटो है ये पामीर ये पूरा बेल्ट जहां पर लाशा स्थित है इसे कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर्स सुना होगा आपने पांच हजार मीटर अब सी लेवल ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन कहता है ये देखिए मैं नहीं कहता हूं ये निकनेम दिया गया है सोब्रिक्वेट दिया गया है ये उपकार की किताब आती है ना पतली वाली जीके वाली उसमें लिखा हुआ है देख लीजिएगा बचपन में कभी पढ़े थे यहां बता रहे हैं आपको ठीक है क्लियर आई सपोज यू कॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया इज बिल्डिंग अप इट्स इंडिया इज बिल्डिंग अप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे इन अरुणाचल प्रदेश और यही वजह से चाइना इज ऑल्सो वॉरिड डेट्स इट योड़ी कॉरिडोर इज द लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइटली कॉल्ड लाइफ लाइन ऑल्सो लाइफ लाइन फॉर द होल ऑफ इंडिया येस क्लियर स्टूडेंट्स बताइए मुझे क्लियर हुआ ये पॉइंट तो चलिए ये न्यूज तुरंत अरुणाचल प्रदेश का ये न्यूज देखिए मैप बनाने का बहाना चाहिए दो मैप बन गए देखते देखते इतनी तेजी से तैयारी करनी है आपको ठीक है क्लियर और भाई जिनको पसंद नहीं आ रहा है सेशन वो जा सकते हैं यहां से ठीक है मेरे हिसाब से मैं तो अपना सबसे बेस्ट यहां बता रहा हूं भाई पढ़ा रहा हूं ठीक है इतना थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच के साथ में ठीक है तो बस समझ लीजिए कि इंडिया चाइना पे कोई भी टॉपिक आएगा ये जरूर लिंक करना है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे कोई टौ... सवाल आएगा आपको ये लिंक करना है आप बोलेगा सर क्या इट्स से इंटरनल सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी यस yes, इंटरनल सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी आप बोलेगा सर कैसे इंटरनल सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल सिक्योरिटी डू यू एग्री दरमिन द चैट बॉक्स चैट बॉक्स इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक पेपर थ्री जीएस आपको लगेगा हम अलग से पढ़े पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर एनआईए सीबीआई, नहीं सीएपीएफ पुलिस नहीं इंटरनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है वो होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी जहां एक्सटर्नल सिक्योरिटी होगी नहीं ठीक से बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या वहां इंटरनल सिक्योरिटी डैमेज रहेगी टेल मी डैमेज रहेगी वहां पे यू कैन सी जम्मू एंड कश्मीर बेल्ट यू कैन सी नॉर्थ ईस्ट यू कैन सी हिमालयन बेल्ट जहां जहां माउंटेनियस बेल्ट है एक्सटर्नल सिक्योरिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है ऑल बिकॉज ऑफ टेरेन खराब टेरेन पहाड़ी का बेल्ट सियाचिन ग्लेशियर देखिए उन सारे बेल्ट में इंटरनल सिक्योरिटी भी डैमेज रहती है यस yes? ठीक है क्लियर <laughs> तो बस समझ लीजिए स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखिएगा इस मंत्र को इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई सवाल आया फैक्टर्स के ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी इज अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आर अ बिग इश्यू उसमें जरूर एक पॉइंट दीजिएगा टेरेन जोग्राफी एक्सटर्नल सिक्योरिटी वहां कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रही है क्या इसलिए कि हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी में दिक्कत है नहीं दिक्कत नहीं है टेरेन में दिक्कत है ज्योग्राफिकल बेल्ट में दिक्कत है वहां पर पास फ्लोइंग स्ट्रीम्स है वहां पर पहाड़ियां हैं खाई है वहां पर चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है उस जगह पे उस जगह पे इंडियन आर्मी जाकर काम कर रही है चलते हैं जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर यू कैन सी इट देयर एज वेल सियाचिन ग्लेशियर पे अपने आप में सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जहां आपके ब्लड वेसल्स फ्रीज कर जाए फ्रीज कर जाए उस जगह पे खाना जाता है आपके लिए स्पेशल आप आर्मी के जवान आपके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर्स में जाता है एयरक्राफ्ट में जाता है वैक्यूम सील्ड फूड अलोंग विद वेपर्स क्यों जाता है वेपर्स क्यों दिए जाते हैं उसमें ताकि खाना गर्म रहे वहां पर ठीक है क्लियर <laughs> बोथ आर इंटरकनेक्टेड चलिए आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट न्यूज देखते हैं उदी अरब डी कोड एंड इंटरलिंग हर जगह छिटपुट अभी कर रहा है टेर अटैक इसका कभी राइज हुआ था दो हजार तेरह से दो हजार सोलह तक मैंने आपको बताया इसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री लास्ट वीक वेर इट अटैक्ट अफगानिस्तान टेर अटैक हुआ या यूरोप में टेरर अटैक्स में तभी मैंने बताया था आपको ठीक है तो हैव अ लुक इस्लामिक स्टेट इस्लामिक स्टेट ने अभी क्लेम किया है रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैंने टेरर अटैक किया सऊदी अरब में वे आर अमेरिकन एंड यूरोपियन वर कमेमोरेटिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ओके द ब्लास्ट ऊंडेड थ्री पीपल आप बोले सर ये तो छोटा सा न्यूज है केवल तीन लोग ऊंडेड हुए हैं आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ध्यान दीजिएगा सऊदी अरब में ध्यान दीजिएगा ये न्यूज इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब में अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑफिशियल्स इज इट शोइंग सऊदी इज गोइंग इन द अमेरिकन कैंप ग्रेजुअली पहले भी अमेरिका अमेरिकन सपोर्ट था सऊदी अरब के लेकिन अब कहीं ज्यादा हो गया है क्योंकि इसराइल के साथ पीस पैक्ट साइन करने वाला है सऊदी इसी महीने की न्यूज थी नवंबर लास्ट या दिसंबर में सऊदी अरब पीस पैक्ट साइन करेगा इसराइल के साथ में ऑलरेडी ठीक है ठीक है Have a look. Have a look. ध्यान इस पे ध्यान दीजिए टॉपिक पे बहुत क्रुशल टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको नहीं मिलता है इंटरलिंकिंग के लिए कोई न्यूज और ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको न्यूज मिल रहा है लुक जराइल के साथ अभी बहरीन ने और यू ने साइन किया है पीस पैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू एग्री गिव अस इन द चैट बॉक्स बहरीन साइन पीस पैक्ट विद इसराइल यू ए साइन अ पीस पैक्ट विद इसराइल सुदान साइंड अ पीस पैक्ट विद इसराइल गिविंग रिकॉगनेशन टू इसराइल नाउ सऊदी अरब चांस इज कमिंग अप क्योंकि सऊदी अरब के सपोर्ट से इन कंट्रीज ने साइन किया है ये पीस पैक्ट ये सारे देश सुन्नी कंट्रीज हैं सुन्नी इस्लाम फॉलो करते हैं ठीक है और अब ये अमेरिकन और यूरोपियन ऑफिशियल्स यहां पे वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने का सेरेमनी कर रहे हैं खत्म हुआ था उस समय तो अभी अभी हम लोग सेलिब्रेट किया जाए ये शो कर रहा है कि अमेरिकन और यूरोपियन ऑफिशियल दोस्ती बढ़ रही है और ज्यादा और ये किसको खराब किस पे खराब इंपैक्ट डाल रहा है इस्लामिक स्टेट के इसीलिए ये टेरर अटैक अब आप बोलिएगा सर ये न्यूज कहां कहां आप लिंक करोगे सबसे पहला पॉइंट तो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन पे कोई सवाल आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री में तुरंत लिंक करेंगे ये न्यूज वर्ड्स आई होप कि आपको दिख रहा है कैसे लिंक करना है वर्ड्स ठीक है डे आफ्टर अटैक एट सऊदी वर्ल्ड वॉर वन सेरेमनी रिसेंटली एट वर्ल्ड वॉर सेरेमनी इस्लामिक स्टेट अटैक इन सऊदी अरब दैट्स इट टेरर अटैक बीस शब्द वर्ल्ड वॉर वन पे कोई भी सवाल आया जीएस पेपर वन में आपको यहां एक नंबर मिल जाएंगे इसी के कारण और इस्लामिक स्टेट के लिए तो ये डी कोड और इंटरनिंग अप्रोच है ही इस्लामिक स्टेट पे कोई सवाल आया इतने ज्यादा न्यूज है कि उसे खुद याद नहीं है उसने क्या क्या कर्म किए हैं ठीक है ठीक है नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज इंडियन नेवीज फिफ्थ स्कॉर्पिन क्लास लुक ये प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत ये लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव साफ साफ नेवी नेवल डिफेंस की बात चल रही है यहां पे इसमें सबसे बड़ी बात है फ्रांस से एक ट्रांसफर लिया गया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यस यस वर्ल्ड वॉर वन का इंपैक्ट भी ये लिंक हो रहा है उस सऊदी अरब के न्यूज में ठीक है तो आप बताइए स्टूडेंट्स क्या बात समझ में आई आपको स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव क्या था स्टूडेंट्स ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पहले शुरू किया गया था ठीक है इसको बाद में पब्लिक किया गया इट वॉज ऑल अबाउट बिल्डिंग अप इंडिया नेवी और उसके लिए नेवी के लिए दैट्स इट क्या सबमेरिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेवी के लिए यस yes. सबमेरिनस का इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में यही सबमेरिन पे फाइट किया गया था जर्मनी ने इसी पे फाइट किया था वर्ल्ड वॉर टू में इट वॉज बिकॉज ऑफ सब दैट दैट जर्मनी कुड इन्वेड द एटलांटिक वॉटर्स एटलांटिक ओशन वॉटर्स हॉलीवुड में इतनी मूवीज बनी है कि हॉलीवुड में मैं बोल रहा हूं ठीक है इतनी मूवीज बनी है वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर कि आप देखिएगा हर जगह सब का रोल आएगा ठीक है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट ये सबमेरिंस के बिल्डअप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था सबमेरिंस बनाने के लिए और इसको मैंने लिंक किया था लास्ट टाइम डिफेंस में कुछ न्यूज आया था आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव वहां भी ये वर्ड आया था ठीक है तो प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव वॉज वॉज लॉन्च बाई इंडिया ठीक है टू बिल्ड अप सब मेरी फॉर इंडियन नेवी दैट इट विद फॉरन कोलेबोरेन कोलेबोरेशन यस और फॉरन में सबसे ज्यादा फ्रांस ने हेल्प किया है इंडिया को इस फील्ड में क्या ये इंडिया फ्रांस के लिए भी एक रिलेशन के लिए एक ये न्यूज निकल रहा है आपको बताइए मुझे ठीक है क्लियर टर्मी तो ये देख लीजिएगा प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत ये देखिए फिफ्थ ये है पहले की चार सबमेरिन कौन से हैं इस पे कल मैं डिस्कशन करने वाला हूं सबके फीचर्स क्योंकि सत्रह पे पे में, में और अठारह मेंस्ट विल सी वॉट इज प्रोजेक्ट सेवेंटी फोर सबमेर फाइव सबमेर एंड फीचर टूमोरो इन द क्लास डोट गेट वर इट ओके आगे बढ़ते देखते हैं एक टॉपिक यहां पर ठीक है एक टॉपिक देखते हैं प्रोडक्शन ये सबमरीन का न्यूज़ जो है ना ये आएगा प्रेलिम्स के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स और इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन के लिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम ठीक है तो इसका एम क्या है? लिखते रहिएगा मैं बता रहा हूं ये स्कीम लॉन्च किया गया इस साल ठीक है और अब 10 सेक्टर्स को इसमें टअप कर दिया गया वट इज दिस व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट हैव अ लुक इसका एम क्या है पहला इट एम्स टू मेक इंडिया एम्स टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ठीक है एम्स टू मेक इंडिया अ मैनुफैक्चरिंग डेस्टिनेशन मैं कल बताऊंगा इस सबरिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डोंट वरी ठीक है मैं डिग करके लाऊंगा सारा इंफॉर्मेशन अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन वॉट इट पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इट एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर यस ठीक है थर्ड पॉइंट वेरियस सेक्टर्स ंग ब्रॉड अंडर द स्कीम वेरियस सेक्टर्स आर बिंग ब्रॉड अंडर द स्कीम अभी टेन सेक्टर्स लाए गए हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक से शुरू किया गया था और इस स्कीम में क्या दिया जाता है आज सब्सिडी इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ठीक है सब्सिडी पैसा ठीक है कौन से किसे इंडस्ट्रीज को इट्स अ टाइप ऑफ सब्सिडी टू द सेक्टर यस बट इट इज लिंक्ड टू द प्रोडक्शन आर यू गेटिंग इट ठीक है मैं सबमरीन पे कल पूरा पढ़ा दूंगा भाई सबमरीन में आप पूरा एबीसीडी कल जान जाओगे कल मैं पांच सबमेरिन का मैच बना नहीं पाया था ये क्या कहते हैं टेबल मेटकल टेबल बना के लाऊंगा डोंट वरी यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेस डे प्रपोजल टू ऑफर एज मच एज वन पॉइंट फोर फाइव ट्रिलियन रुपीज इन इंसेंटिव टू परसुएट ग्लोबल कंपनीज इन टेन सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबिल्स ओके एफ डी आई भी प्रोमोट हो रहा है भाई यस yes. इससे इन शॉर्ट आप प्रोडक्शन कीजिएगा आपकी इंडस्ट्री है आप प्रोडक्शन कीजिएगा आपको पैसा दिया जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड मनी है ये ये वही बात हो गई आपको शाबाशी मिलती है मिठाई मिलती है जब आप रिजल्ट्स अच्छा करते हो आपको मीडिया आती है आपके घर पे जब आप रैंक वन लाते हो यूपीएससी में गॉट इट क्लियर अब ये सेक्टर्स कुछ सेक्टर्स को क्यों इतना ज्यादा फोकस दिया जा रहा है क्यों क्योंकि वो सेक्टर्स डिसएडवांटेज पे है कुछ सेक्टर्स में डिसएडवांटेज चल रहा है डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कुछ परेशानी चल रही है आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन चल रहा था लास्ट ईयर से डिमांड्स थे ही नहीं सुना था आपने 2019 में टेल मी द चैट बॉक्स ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज हैविंग अ रिसेशन मैसिव रिसेशन डिमांड हैड डिफ्ट लास्ट ईयर कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा था बाइक हो या कार वो लोग ऑफर कर रहे थे कार वाले ऑफर कर रहे थे कि ले जाओ भाई एक लाख रुपए का और भी ले जाओ गिफ्ट लेकिन तो लोग कह रहे थे एक लाख रुपए नहीं चाहिए भाई कार अपना अपने पास रखिए इन शॉर्ट ऐसे सेक्टर्स पे जिन सेक्टर्स में परेशानी चल रही है उनको पीएलआई स्कीम के तहत लाया गया है वॉट इट तो ये देखिए इसका अल्टीमेट एम क्या है देखिए यहां पे सेम चीज गवर्न सेंटर अन इंसेंटिव टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कल का न्यूज था ठीक है अल्टीमेटली देखिए ये देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फूड प्रोसेसिंग देखिए मैं लिंक ये मैं लिख रहा हूं यहां से टेलीकॉम सब के सब स्ट्रेस्ट सेक्टर्स टेलीकॉम तो इतनी परेशानी में पड़ गया है ठीक है थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ टेक्सटाइल्स आप बोले सर क्या ये नाम याद करना जरूरी है नाम नहीं याद करना प्रेलिम्स के लिए लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग पे कोई सवाल आ गया मेंस में डोंट यू एग्री आपको ये लिंक करना है न्यूज ठीक है फिफ्थ स्पेशलिटी स्टील सिक्स ऑटोमोबिल ठीक है सेवेंथ वाइट गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ठीक है अब यही वजह है स्टूडेंट्स कि मैंने ये टॉपिक इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया क्योंकि ये देखिए फूड प्रोसेसिंग ध्यान दीजिएगा मैं अभी यहां से मैं अब क्या सिलेबस ओपन कर लीजिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक सेपरेट टॉपिक है सिलेबस में जीएस पेपर थ्री में दिया हुआ है वहां जरूर इससे उठाना है पॉइंट तो अल्टीमेट एम इस, इस प्रोग्राम का अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा ध्यान दीजिएगा पहला सेक्टर सेक्टर जो वो सेक्टर है जिसको इसमें रखा गया है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा यस yes. सेक्टर का इंक्रीज प्रोडक्शन सेकंड क्या इससे जीडीपी बढ़ेगा यस yes. थर्ड क्या इससे एफडीआई फॉरेन कंपनीज आएंगी उस सेक्टर में यस yes. फोर्थ लिखते रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है द पर्टिकुलर सेक्टर प्रोडक्शन विद इंक्रीज सेकंड पॉइंट

subsidies subsidies in manufacturing अब आप बताइए स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक डोंट यू थिंक मैंने ये केवल पांच पॉइंट्स मैंने बताए पांच एडवांटेजेस आप एडअप कर सकते हैं और भी डोंट यू थिंक ये हमें हिंट दे रहा है कि भारत सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है इस चीज को दैट विदाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कैन नॉट डेवलप एग्री विदाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कैन नॉट डेवलप बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसे कुछ बड़े एडवांटेजेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकेंड पॉइंट ये जहां पर भी फैक्ट्री लगती है इसकी फैक्ट्री क्या उसके आसपास का रीजन डेवलप कर जाता है टेलमी आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस स्टील प्लांट देखिए टाटा का स्टील प्लांट देखिए जिंदल का स्टील प्लांट ठीक है देखिए मारुति उद्योग जहां लगता है उसके आसपास का रीजन डेवलप कर जाता है गुड़गांव देखिए मानेसर गुड़गांव हरियाणा जहां पर मारुति का प्लांट लगा हुआ है मानेसर एक गांव था और आज देखिए कहां चला गया है ठीक है और यही यहां पे मैंने आपको ये सवाल बताया आज ये 2014 का सवाल आया था मेंस में नॉर्मली कंट्री शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन टू सर्विसेज बट इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेस वॉट आर द रीजन्स फॉर सर्विस ग्रोथ एंड इंडस्ट्री नॉट ग्रोइंग इन द कंट्री क्यों सर्विसेज बढ़ गए इंडस्ट्री ग्रो नहीं किया कैन इंडिया बिकम डेवलप्ड कंट्री विदाउट स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस नो इंडिया कैनॉट बिकम डेवलप्ड कंट्री ठीक है इसीलिए ध्यान दीजिए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री इंडस्ट्री से सर्विसेज ठीक है अल्टीमेटली इंडस्ट्री शुड हैव अ वेरी फास्टर ग्रोथ इन द सेकेंड स्टेज बट इंडिया बाई पास स्किप्ट दिस ठीक है लेकिन अब इंडिया ने इस पर फोकस करना शुरू किया है कैसे पी एल आई स्कीम यस सेकेंड मेक इन इंडिया स्कीम यस ठीक है आर यू गेटिंग इट ये एक्सेप्ट हो गया भारत सरकार ने कहा कि कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा ग्लोबल सप्लाई चेन का हब बनाना पड़ेगा तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे ठीक है Got it. 2014 के मेंस में यहां से पीएलआई स्कीम से आपको लिंक मिल रहा है, वो पूछा क्यों गया था उस समय ये सवाल क्यों पूछा गया था 2014 के मेंस में क्योंकि मेक इन इंडिया की तैयारी चल रही थी आपने सुना इस स्कीम के बारे में मेक इन इंडिया स्कीमी आगे बढ़ जाते हैं ओडिशा का न्यूट्रिशन स्कीम कल न्यूज में आया था वी कुड नॉट फिनिश इट ओडिशा टू इंट्रोड्यूस फिश इन न्यूट्रिशन स्कीम ओके okay, फिश यानी फिश प्रोटीन का सोर्स है yes. क्या फिश में ओमेगा एसिड्स भी पाए जाते हैं टलमी क्या ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं टेलमी इंडिया बाईपास इंडस्ट्री इंडिया बाईपास इसलिए किया ध्यान दीजिएगा इंडस्ट्री देखिए मैं बता ही दू यहां पे भाई आप लोगों को बाइपास कोई करना नहीं चाहता इंडस्ट्री को ठीक है लेकिन इंडस्ट्री में कुछ बड़ी चीजें चाहिए पहला लैंड एक्विजिशन इजी होना चाहिए डू यू एग्री सेकेंड हैवी मनी रहना चाहिए फंड फॉर इन्वेस्टमेंट या तो पब्लिक सेक्टर के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास थर्ड मॉडर्न टेक रहना चाहिए एग्री ठीक है फोर्थ स्किल्ड लेबर रहना चाहिए जो इंजीनियर्स रहे कम से कम वो कॉलेज से ही कुछ सीख कर आए ये नहीं कि बाद में सिखाना पड़े उन्हें ठीक है ठीक है अब ध्यान दीजिए क्या ये चार चीजें इंडिया में मिसिंग थी उस समय क्या आज भी ये मिसिंग है बताइए मुझे लैंड एक्विजिशन इज अ बिग इश्यू इन इंडिया ऑल ऑफ यू एग्री टर्मी चैट बॉक्स सेकेंड पॉइंट फंड्स आर लैकिंग इन इंडिया यस अब देखा होगा थर्ड क्या टेक भी लैकिंग है यूरोप के कंपैरिजन में चाइना कंपैरिजन में यस और क्या लेबर स्किल्ड होने में परेशानी है ये चार परेशानी जहां पे होगी ये ये क्वाड अप्रोच है देखिए फोर प्रॉब्लम्स ये फोर हैं जो चाहिए आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यस और ये क्वाड अप्रोच है मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए क्वाड अलग कंसेप्ट है लेकिन मैं यहां बता रहा हूं अगर ये चार चीजें नहीं रहेंगी ना इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगा बाईपास हो जाएगा इंडस्ट्री ठीक है अब देखिए अब देखिए सर्विसेज क्यों डेवलप कर गया क्योंकि सर्विसेज आर पुट लूज इंडस्ट्री भाई उनको केवल एक बिल्डिंग चाहिए रेंट पे एक लैपटॉप चाहिए और एक आप चाहिए ठीक है यस आप, आपका लैपटॉप बिल्डिंग और वाईफाई बस जहां रेंट कम लगेगा वहां शिफ्ट कर जाएंगी सर्विसेस ठीक है तो फुट लूज है दे डोंट नीड लैंड दे डोंट नीड टू परचेज द ऑफिस स्पेसिफिकली ठीक है सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए सर्विसेज में बहुत ज्यादा डिमांड बाहर से आ रही थी डिमांड इतना ज्यादा था कि इंडियंस उसी तरफ आगे बढ़ गए थर्ड एंटरप्रोनर्स वो इंफोसिस का स्टैब्लिशमेंट हो या विप्रो का बहुत आए थे फील्ड में इसीलिए ये एक आगे बढ़ गया इंडस्ट्री ऐसे एंटरप्रोनर्स नहीं आए थे में, 1990s की बात कर रहे हैं। मैंने देखा होगा कंप्यूटर साइंस का ग्रोथ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया आप बताइए ना आप इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनने में सबसे पहले आपका क्या प्रायरिटी रहता है सॉफ्टवेयर आप बता मैकेनिकल में जाएंगे तो बहुत दिक्कत है भाई ठीक है मैकेनिकल वैसे सबसे शॉर्ट आफ्टर ऑप्शन है आई में लेकिन बाहर में नहीं बाहर के कॉलेजेस में नहीं सॉफ्टवेयर इज अ ऑप्शन एक रिलायबल ऑप्शन है कम से कम नौकरी लग जाएगी ठीक है जब आप ही उस पर रिलाई कर रहे हैं इतना ज्यादा तो देश भी रिलाई करेगा ना दैट इट आप ही से बना हुआ है देश सर्विसेज सेक्टर आई होप ऑल ऑफ यू एग्री टेल टर्मी द चैट बॉक्स ये टॉपिक ही मैंने पढ़ा दिया भाई ठीक है चलिए आगे देखते हैं ओडिशा का न्यूट्रिशन स्कीम ये बस ये ट्वेंटी वर्ड्स निकालेंगे लिंक करेंगे कहां पे फूड सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या क्वालिटेटिव सिक्योरिटी होती है स्टूडेंट्स कलमी और क्वालिटी में क्या प्रोटीन आना चाहिए और ओमेगा एसिड्स यस पीडीएस में लिंक करेंगे यस yes. पीडीएस में ट्वेंटी वर्ड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या इंडिया का रैंक खराब है उस पर अगर कोई सवाल आए तो लिंक करेंगे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है ठीक है <laughs> बहुत सारे वजह है सर्विसेज सेक्टर के लिए सरकार का भी हैवी सपोर्ट था उस समय ठीक है और देखिए सपोर्ट रहेगा भी स्टूडेंट्स आप बोलेगा सर सरकार को अगर आप दोष दीजिएगा उस समय नहीं उस समय इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी इंडिया ने कहा जो इंडस्ट्री हमें फॉरेन करेंसी देगा तुरंत उसे हम प्रमोट करेंगे सर्विसेज ने तुरंत देना शुरू किया प्रमोट किया गया दैट्स इट तो इस इस न्यूज पे आइए चलिए छोड़िए उस न्यूज को इस न्यूज पे आइए ओडिशा न्यूट्रिशन स्कीम मैल न्यूट्रिशन फाइट करने के लिए एक अलग मीन्स एक एक्स्ट्रा स्कीम डी कोड इंटरलिंक अप्रोच पीडीएस फूड सिक्योरिटी ग्लोबल हंगर इंडेक्स सिलेबस में दिया हुआ इस पर कोई सवाल आएगा ट्वेंटी दैट्स इट इतना काफी है यहां से अंदर पढ़ना ही नहीं है नेक्स्ट सैंडलवुड सीज्ड लाल चंदन रेड सैंडलवुड ये कल का न्यूज है द हिंदू का अब आप बोलिएगा सर ये स्मगलिंग होता है क्या इसको लेकर कोई कन्वेंशन है क्या यस yes. स्मगलिंग होता है इसको रोकने के लिए कन्वेंशन साइन किया गया नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज सुना है आपने साइट्स नोट्स मेकिंग टिप्स आप ग्रुप पे आइए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है आप ग्रुप पे आइए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज अगर आपको ट्रेड करना है एंडेंजर्ड स्पीसीज में एंडेंजर्ड का मतलब क्या है ये इसी में लिखा हुआ है इसी का इसका स्कॉलर डेफिनेशन एंडेंजर्ड का साइट्स में ठीक है इसको जो लगता है इस कन्वेंशन को जो लगता है कन्वेंशन इज एग्रीमेंट ठीक है एग्रीमेंट अगर आपने साइन किया तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो ये बताइए में अगर ट्रेड करना है यानी चीता मंगाना है आपको नामीबिया से इंडिया पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट आपको रॉयल बंगाल टाइगर भेजना है कंबोडिया यस yes, टाइगर को भेजा गया था कंबोडिया दो साल पहले इंडिया कंबोडिया रिलेशंस इमेजिन टाइगर इज द टाइगर इज द पॉइंट ऑफ फ्रेंडशिप वो टाइगर वहाँ भेजा गया ठीक है टाइगर वहाँ कम हो गए थे इंडिया ने, ने कहा मेरे पास बहुत टाइगर है भाई ठीक है एरोप्लेन में गया यहाँ से वहाँ तक वी आई पी टाइप ऑफ फैसिलिटीज यू कैन इमेजिन वैसे चीता आएगा वहाँ से ठीक है ठीक है तो लोक ये चीता और टाइगर ठीक है अब इसी को लेकर अब ये रेड सैंडलवुड भी रेड सैंडलवुड भाई इसके लिए ये चीता हो या टाइगर हो या रेड सैंडलवुड हो इसके लिए आपको पेपर वर्क करना जरूरी है पेपर वर्क अगर आप एक्सपोर्टर हैं इंपोर्टर हैं यस पेपर वर्क किसके तहत साइट्स के तहत साइट्स कहता है यू कैन ट्रेड यू कैन गुड डू इंटरनेशनल ट्रेड बट लेट मी नो मुझे बताकर ट्रेड करो भाई ठीक है क्लियर गॉट इट टू हैव अ लुक ग्रुप मैंने शेयर किया अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग अंडर स्कोर सिंह पर आइए टेलीग्राम ग्रुपन प्लीज पुट द टेलीग्राम लिंक वहां पर आइए वहां से मालूम चल जाएगा आपको ये देखिए फाइव एजेंसी है सॉरी फोर एजेंसी है साइट के साथ में जो काम करती है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस UNEP, United Nation Environment Program, UNEP, Environment Program. सुना है आपने इसके बारे में Tell me. And IUCN, यानी World Custom Organization, Second Interpol, Third UNEP, and Fourth IUCN. अब बोले सर ये क्या है ये साइट्स के साथ कंट्रोल करती हैं ट्रेड यस ये वही एजेंसी जो हेल्प करती हैं साइट्स के इंप्लीमेंटेशन में तो ये याद कर लीजिएगा यूपीएससी प्रिलिम्स दिस क्वेश्चन माइट बी आस्ट विच एजेंसीज हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स स्टॉप स्मगलिंग ऑफ गुड्स स्टॉप स्मगलिंग ऑफ सॉरी वाइल्ड लाइफ ठीक है स्पीसीज दे आर फोर एजेंसीज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पुलिस आईसीएन एंड यू याद कर लीजिएगा अब ये लाल चंदन पे आया हुआ है इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स 2018 में प्रीलिम्स में एंड आया हुआ ये कहां पाया था इट्स इन ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है रेड सैंडल वुड कहां पे कहां पे मी टेल यू ईस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट्स एक बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में मुझे नाम बताइए आप लोग नाम बताइए मुझे समझ में आ जाएगा आप राइट ट्रैक पे ठीक है क्लियर तो ये चार एजेंसी याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है और यहां से सवाल आ सकता है फिर से ये रेड सैंडलवुड इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कहां पे ईस्टर्न घाट्स में ठीक है शेष चलम रिजर्व क्या बात है बिल्कुल सही ट्रैक पे ऑफ ऑफ ऑल यू फॉर गिविंग अप अ गुड इनपुट इन द चैट बॉक्स दिस इज कॉल्ड एस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड यू आर अ प्रो एक्टिव कम्युनिटी ठीक है क्लियर वहीं पे लाल चंदन बहुत कॉमन है रेड सैंडलवुड बार बार न्यूज आता है आंध्र प्रदेश से इसके ऊपर ठीक है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से दो सवाल निकल रहे हैं लाल चंदन कहां पाया जाता है इंडिया में एंड सेकेंड कौन से एजेंसीज हेल्प करते हैं साइट्स के इंप्लीमेंटेशन में नेक्स्ट न्यूज रेट होल माइनिंग इन मेघालय कल न्यूज आया था इलीगल माइनिंग द हिंदू का कल न्यूज था कल कवर नहीं हो पाया था ठीक है ठीक है यस यस शेषलम हिल्स हैं तिरुपति तिरुमला बेल्ट वहीं पे है ठीक है तिरुपति तिरुमला हिल्स ठीक है तो है लुक मेघालय गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग इलीगल माइनिंग माइनिंग एक एनजीओ ने क्लेम किया है रेट होल माइनिंग क्या है देखे यहाँ पे बहुत नैरो पे एक्सेस माइनिंग के लिए ये मेघालय में क्या स्टूडेंट्स क्या कुछ वहां पे क्या कोयला पाया जाता है क्या बिल्कुल पाया जाता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दो के दिसंबर में आई एम नॉट रॉन्ग यस टू ईयर्स बिफोर तो अगर आप देखिएगा मेघालय जस्ट मिले दिस इज मेघालय बेल्ट मेघालय बेल्ट यहां पे कुछ हिल्स हैं ठीक है गारो हिल्स खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स मिला मुझे बताइए एटलस में देखकर गारो खासी जयंतिया हिल्स वहां पे कोयला पाया गया है और वहां पे माइनिंग चलती है रेट होल माइनिंग चलती है प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वहां क्या करते हैं कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई डिगिंग अरो इनलेट इन टू नैरो इनलेट वेरी यू कैन सीट है वेरी नैरो और ये 2018 का न्यूज आया था इसी में कुछ वर्कर्स ट्रैप हो गए थे दे, दे डाइड बहुत डेंजरस बहुत डेंजरस ये रेड होल माइनिंग और यही वजह स्टूडेंट्स की इस पर बैन लगाया गया उसी समय 2014 में देखिए यहां पे था एनजीटी इम्पोज अ बैन इन रेड होल माइनिंग इन मेघालय वॉट इट अब समझ लीजिए यस कोयला असम में भी पाया गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोयला पाया गया उसमें मेघालय में भी और असम में भी और अरुणाचल में भी कोल हैज बीन फाउंड ठीक है शरी रिजर्व्स ऑफ गोल्ड ठीक है अब यहां पे रेट होल माइनिंग पे ये बैन लगाया गया था लेकिन अब एन ब्लेम कर रहा है कि अब भी भी उसकी बात नहीं चल रही है अभी भी रेट होल माइनिंग स्टॉप नहीं किया गया इट्स इलीगल अगेंस्ट द बैन ओके तो यहां से यूपीएससी में डायरेक्टली सवाल लिंक हो रहा है डोंट यू थिंक ये एक कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी की बात है एनजीटी ने पहले बैन लगाया था फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था कंटेंप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये एनजीओ क्लेम कर रहा है। सेकंड डोंट यू थिंक इसमें जो लोग काम करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन उनका इंपैक्ट हो रहा है. बहुत बहुत लेवल ऑक्सीजन का लो होता है दे आर यू कैन सीट हियर आप कभी जाओगे इस इतने छोटे से होल में जमीन के अंदर टेनवी ठीक है स चाइल्ड लेबर्स ऑल्सो यू कैन सी इट यार आर्टिकल ट्वेंटी फोर भी यहाँ पे क्या आप कभी जाओगे वहां पे कभी नहीं जाओगे देखिए कितनी कंडीशन खराब है इन बच्चे लोगों की यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूँ आप यूपीएससी में जा रहे हो कुछ बढ़िया काम करो यार कुछ अच्छा काम करना है वहां पे केवल ये रैक ले के अंदर नहीं जाना है कि वहां जाकर फिर रेगुलर वर्क करें नहीं डोट फॉलो द कोरम ओनली डू समथिंग न्यू डू समिंग क्रिएटिव ब्रिंग स्माइल टू द फेसिस पीपल ऑफ इंडिया येस दैट्स इट ठीक है यू कैन सी इट है और यही वजह है कि आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी फोर में जरूर लिंक कीजिएगा इस पॉइंट को जरूर से लिंक कीजिएगा आर्टिकल इक्कीस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल चौबीस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर नेक्स्ट न्यूज आज का लास्ट न्यूज न्यूज पेपर से टेक्निकल रिसेशन टेक्निकल रिसेशन एक वर्ड आया क्योंकि कल एक न्यूज आया आरबीआई ने निकाला ये पॉइंट कि इंडिया हैज एंटर टेक्निकल रिसेशन अब टेक्निकल रिसेशन क्या होता है इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये डिटेल दिया मैं बता दूं ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर जून तक इंडिया है सीन रिसेशन डिप इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको ही पता है ये बात अब सेकेंड क्वार्टर जुलाई से, से जुलाई से सेप्टेंबर तक का डेटा आने वाला है नवंबर थर्ड वीक में और इसमें भी रिसेशन रहेगा नेगेटिव में ग्रोथ हो रहा है ठीक है ठीक है ओके ओके मेघालय बॉर्डर आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत खराब कंडीशन है भाई रेट होल माइनिंग की वहां पे ठीक है चलिए आप लोग इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी गुड ठीक है इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आप लोग देखिए भाई जब तक बड़ा एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं जब तक केस नहीं जाता है तब तक कैसे काम तो कैसे मालूम चलेगा इन चल रहा होता है ना ठीक है तो ये देखिए पहले क्वार्टर में शायद माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ग्रोथ हुआ था माइनस मींस रिसेशन में गया था अभी सेकंड में कहा जा रहा है माइनस एट के आसपास रिसेशन रहेगा इसका मतलब यहां पे एक वर्ड आया टेक्निकल रिसेशन इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल रिसेशन यहां पे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन कर रहा है तो ये एक्सपेंशन और रिसेशन दो फेजेस होते हैं ध्यान दीजिएगा एक्सपेंशन मींस आउटपुट इज इंक्रीजिंग मैंने आउटपुट या जीडीपी पे पूरा एक क्लास लिया है करंट अफेयर्स में रिसेशन मींस आउटपुट या जीडीपी इज डिक्रीजिंग ठीक है ये दोनों पार्ट एंड पार्सल है एक देश के लाइफ के लिए जैसे आपके लाइफ के लिए आपके जीवन के लिए आपका जीवन एक साइकिल होता है सर्कल होता है कभी अच्छा समय कभी खराब समय वैसे देश का भी जीवन होता है देश की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का भी एक जीवन है उसमें कभी अच्छा समय एक्सपेंशन कभी खराब समय रिसेशन और यहां पे एक पॉइंट शो कर रहा है दैट ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन रिसेशन जो रहता है एक कंट्री के लिए उसे बिजनेस साइकिल कहते हैं ये फॉर्म्स के लिए भी होता है यस बिजनेस साइकिल फॉर्म्स कंपनीज एंड फॉर द कंट्री एज वेल ठीक है इट यस यस राइट अगेंस्ट एक्सप्लोर्टेशन बिल्कुल राइट टू लाइफ बिल्कुल आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री आर्टिकल ट्वेंटी फोर सब लिंक हो रहा है रेट होल माइनिंग से ठीक है तो ये देखिए यहां पे यहां पे टेक्निकल रिसेशन एक वर्ड डाला गया इसका मतलब क्या है क्वार्टरली जीडीपी कैलकुलेशन होता है क्वार्टरली ठीक है यानी तीन तीन महीने का निकाला जाता डेटा ठीक है तो इसका साफ साफ मतलब है इस जगह पे क्या ये क्वार्टरली जीडीपी जब टू क्वार्टर्स में टू क्वार्टर्स में कांस्टेंट जीडीपी डिक्रीज करें इसका साफ साफ मतलब है वो कंट्री एंटर कर गया समथिंग कॉल्ड एज टेक्निकल रिसेशन या देखिए लिखा हुआ है एट द सिंपलेस्ट इन एनी इकोनॉमी अ रिसेशन इज counterpart of expansion in short expansion is when gdp increases from one quarter or one month to another the economy is said to be in expansion when gdp contracts decreases from one quarter to another it is said to be in recession recession is opposite of expansion in the economy

टेक्निकल वही ना रिसेशन का टेक्निकल मीनिंग क्या है वही तो यहां बताया जा रहा है मिनिमम टू क्वार्टर डिक्रीज इन जीडीपी दैट्स इट बात समझ में आ रही है मिनिमम टू क्वार्टर डिक्रीज तीन दो तिमाही में डिक्रीज इसका साफ मतलब है जब इंडिया ने एंटर किया अप्रैल से जून तक का साइकिल उसी कहा गया रिसेशन आ सकता है इंडिया में रिसेशन नहीं टर्न दिया गया जब जुलाई से सितंबर में भी नेगेटिव ग्रोथ हुआ तब कहा गया नाउ इंडिया हैज एंटर्ड मी। टेक्निकल मीनिंग ऑफ द टर्म हैज कम अप नाउ। तो क्या बाकी कंट्रीज में क्या है? बाकी कंट्रीज में क्या है? रिसेशन चल रहा है येस yes, लिखा हुआ है यूके में रिसेशन चल रहा है थर्ड क्वार्टर है रिसेशन का ठीक है तीन क्वार्टर से रिसेशन में चल रहा है ब्राजील में भी चल रहा है साउथ अफ्रीका में भी चल रहा है लेकिन चाइना हैज इवेडेड इट क्योंकि चाइना में केवल थ्री मंथ्स तक डिक्रीज किया था आउटपुट उसके बाद चाइना केम बैक गॉट इट चाइना में रिसेशन नहीं आया ये देखिए कैसी कंडीशन जिस जिस देश ने कोविड नाइन्टीन स्प्रेड कर किया मीन जहां से राइज किया वो कंट्री इवेट कर गया डिप्रेशन उस कंट्री में सॉरी रिसेशन है ही नहीं और इंडिया में और बाकी देशों में रिसेशन कैन इमेजिन तो यहां से केवल रिसेशन का मतलब क्या होता है प्रीलिम्स के लिए सिंगल लाइनर क्वेश्चन आइए पी आई बी पे चलते हैं पी आईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट है आज का ये 9 नौ नवंबर से ही कुछ न्यूज मैंने नहीं बताया था मैं बता दूं आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी पी आईबी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यूज और आधे घंटे क्लास चलेगी आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर इट स इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार ठीक है अब चाइना ने क्या किया देखिए चाइना में तो सबसे पहली बात मीडिया स्ट्रेगुलेटेड है चाइना जो भी कहता है सही है कि नहीं इस पर भी शंका होती है ठीक है वॉट इट <laughs> तो आगे बढ़ने से पहले लाइक डालते जाइएगा आप लोग इस क्या कहते हैं वीडियो पर आगे देखिए तो ये पी आईबी के न्यूज में 9 नौ नवंबर का न्यूज है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी रिव्यूज एयर क्वालिटी सिनारियो इन एनसीआर अब देखिए बैन भी लग गया है ठीक है पटाखे के ऊपर फायर क्रैकर्स के ऊपर लेकिन इसने कमीशन ये कमीशन बनाया गया ऑर्डिनेंस पास किया गया इसके लिए आपको मैंने ऑर्डिनेंस बताया था आपको ठीक है अब ये टेन मेजर्स इसने बताए हैं टेन मेजर्स ये टेन मेजर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट पता है क्यों पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछा जाता है ठीक है वट फर्स्ट वट फाइव और टेन मेजर शुड बी टेकन टू काउंटर पॉल्यूशन इन एनसीआर अगर आप दिल्ली में है तो और दिल्ली में आप रह रहे तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे टेन स्टेप्स क्या लिए गए या लिए जाने चाहिए आपको ये निकालना है क्या स्टेप्स लिए गए एक तरह से ये आंसर दे रहा है आपको ना देखिए भारत सरकार आपको आंसर दे रही है कि देखो भाई यूपीएससी में अगर सवाल पूछा जाए तो ये रट लेना ठीक है रट ने ना कुछ क्रिएटिविटी भी डालना अपनी तरफ से लेकिन ये जरूर से बताना वहां पर क्लियर केवल यहां से इतना पढ़ना है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जरूर पूछेंगे वो लोग ठीक है सेकेंड पॉइंट सरपंच चेंजेस द फेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन विलेज अंडर जल जीवन मिशन ओके तो ये हरियाणा का विलेज का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जल जीवन मिशन हैज बिकम अ सक्सेस ऑल बिकॉज ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज ये केस स्टडी है ये मैं नहीं बताऊंगा आप, आप क्यों नहीं बताइएगा क्योंकि यह आपको पढ़ना पड़ेगा यह केस स्टडी दो पन्ने पन्न में तीन पन्ने में यहां दिया हुआ है यह केस स्टडी किन के लिए है सोशल इश्यूज अगर कोई टॉपिक आए वाटर मैनेजमेंट पे जीएस पेपर वन में या सोसाइटी पे सोसाइटी जब एक जुट हो जाती है तो क्या होता है तो ये होता है एग्जाम्पल थर्टी वर्ड्स निकाल लीजिएगा यहां से इसको शॉर्ट करके एंड दिस इज अ स्टडी हैविंग इनपुट्स इन मैक्सिमम टॉपिक्स सेकेंड अगर पॉलिटी में कोई सवाल आया लोकल गवर्नमेंट का पंचायत का ठीक है ठीक है तुरंत यहां से थर्टी वर्ड्स थर्ड पॉइंट अगर कोई सवाल आया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे अगर कोई सवाल आया प्रोएक्टिव सिविल सोसाइटी पे इन सब के एग्जाम्पल्स ये सरपंच का इनिशिएटिव अगर कोई सवाल आया सोशियोलॉजी ऑप्शनल में अगर कोई सवाल आया एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में यस yes, वहां पे भी इंडिया की सोसाइटी को लेकर अगर कोई सवाल आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यस yes, ये देखिए अगर कोई सवाल आया साइकोलॉजी ऑप्शनल में साइकोलॉजी ऑप्शनल सरपंच की पर्सनैलिटी यहां पे कुछ एग्जाम्पल प्रूव कर रही है और अगर कोई सवाल आया ज्योग्राफी ऑप्शनल में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये देखिए इसे कहते हैं वन वन न्यूज अनलिमिटेड बेनिफिट्स ठीक है शियोलॉजी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पब्लिक एड ऑप्शनल साइकोलॉजी ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट आर यू गेटिंग इट एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक है विलेजेस ऑफ इंडिया विलेज के ऊपर वहां पे। सोशोलॉजी so, में तो ये पूरा लिंक हो रहा है साइकोलॉजी में लिंक हो रहा है पब्लिक एड में लोकल गवर्नमेंट ज्योग्राफी में वाटर मैनेजमेंट दैट्स इट एथिक्स ऑल्सो बिल्कुल सही तो प्लीज इसके स्टडी को थर्टी वर्ड्स लिखिएगा आज ग्रुप पे पुट करना है आपको अपनी तरफ से ये आपका होमवर्क है आज का ठीक है क्लियर ये देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहां लिखा हुआ है ठीक है सर्विस डिलीवरी देखिए कितना बढ़िया शब्द सर्विस डिलीवरी एश्योरेंस एश्योर्ड सर्विस डिलीवरी ये देखिए बढ़िया बात यहां पर ठीक है ये देखिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या बढ़िया बात वाटर मैनेजमेंट में प्लानिंग भी गांव वाले कर रहे हैं एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं ऑपरेट भी कर रहे हैं मेंटेनेंस भी कर रहे हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं ये देखिए इंडियन आर्मी हैंड्स ओवर ट्वेंटी फुली ट्रेन मिलिट्री हॉर्सेज एंड टेन माइन डिटेक्शन डॉग्स टू बांग्लादेश आर्मी सी हॉर्सेस और डॉग्स भी यहां पे तुरंत मैंने देखा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन यस ठीक है थोड़ा सा न्यूज है लेकिन नेवर द अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे कुछ आ गया तो एक नंबर तो आ जाएगा यहां से भाई वैल्यू एडिशन से जी एस पेपर टू केवल इतना देखना है आपको दैट्स इट अंदर पढ़ना ही नहीं है आपको ठीक है ठीक है अब सोचिए मीन्स डॉग्स आर ऑल्सो मीन्स हेल्पिंग इन स्ट्रेथनिंग ऑफ रिलेशन दैट्स इट ठीक है <laughs> और ये देखिए इंडियाज पार्टनरशिप विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश स्टैंड आउट एज अ रोल मॉडल इन द रीजन फॉर गुड नेबरली रिलेशन यस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यस ठीक है नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज देखे यहां पे स्टार्टअप्स आर ऑफरिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड एड्स केटरिंग टू डॉक्टर सेफ्टी ड्यूरिंग पैंडमिक इन द न्यू नॉर्मल ओके तो नया साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी आने वाला है भारत सरकार का 2020 में और कहा जा रहा है स्टार्टअप्स ने अलग ही स्टेप्स स्टार्टअप्स ने ठीक है ठीक है स्टार्टअप ने बहुत अच्छा पॉइंट पुट अप कर रहे हैं भाई यहां पे दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो न्यूज था यस वेरी गुड पॉइंट बिहेवियरल अप्रोच वेरी गुड पॉइंट बिहेवियरल अप्रोच ऑप्शंस में है वेरी गुड पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट ये जल जीवन मिशन वाला एक्सीलेंट पॉइंट थिंकर्स बहुत अच्छा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ये देखिए स्टार्टअप्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं अभी मेडिकल इक्विपमेंट्स में और एड्स बनाने में यस मेडिकल एड्स जो भी डिवाइसेस नहीं बन रहे हैं टेस्टिंग डिवाइसेस यस मेडिसिन इक्विपमेंट्स वो सब में स्टार्टअप्स हेल्प कर रहे हैं क्या स्टार्टअप्स के बिना आप साइंस एंड टेक इंडिया में इमेजिन कर सकते हो नो no. तो यहां लिखा हुआ है कैन मेडिकल इक्विपमेंट भी डिजाइन इन अ मैनर डेट इट कैन कीप डॉक्टर सेफ इन कोविड नाइनटीन यस ये किसने किया स्टार्टअप्स ने क्या क्या बनाया इन्होंने देखे यहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन हाउस ऑक्सीजन पोर्टेबल एप कंट्रोल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड वेंटिलेटर सिस्टम अब देखा हुआ रोबोट्स बनाए गए हैं जो पेशेंट के बेड तक ले जा रहे हैं थर्मामीटर और बाकी चीजें ठीक है आर यू गेटिंग इट स्टार्टअप्स का रोल मैंने ये न्यूज देखा तुरंत मेरे माइंड में आया अगर कोई सवाल पूछ दिया गया स्टार्टअप के रोल के ऊपर इंडियन इंडिया में ये एक बड़ा न्यूज है कोविड नाइनटीन पैंडेमिक स्टार्टअप पे पोर्टेबल रेस्पिरेटरी एड्स बनाए गए हैं कॉन्टेक्टलेस डायग्नोस एंड मॉनिटरिंग बनाया गया है यस रोबोट्स मैंने कहा ना तो ये जरूर से लिंक कीजिएगा स्टार्टअप्स के ऊपर अगर कोई सवाल आएगा तो और आपका आज होमवर्क है कम से कम दो ऐसे डिवाइसेस गूगल सर्च कीजिए जो स्टार्टअप्स ने बनाए हैं कोविड नाइनटीन के लिए टू डिवाइसेस मेड बाय स्टार्टअप्स फॉर कोविड नाइन्टीन मैनेजमेंट नेक्स्ट इंडियन साइंटिस्ट डेवलप एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट स्क्रीन फ्रॉम डिस्कार्डेड ग्राउंड नट शेल्स एनर्जी एफिशियंट स्मार्ट स्क्रीन टेक का इस्तेमाल ये साफ साफ हिंट दे रहा है ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इको फ्रेंडली स्मार्ट स्क्रीन फ्रॉम ग्राउंड ठीक है इट इज हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग प्रिजर्वे प्रिजर्विंग प्राइवेसी ऑल्सो एनर्जी कंजर्वेशन यस तो ये न्यूज जैसे ही मैंने देखा मुझे तुरंत याद आया देखिए यहां पे इसमें इस्तेमाल क्या किया गया है नैनो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया है नट शेल्स से बड़ी बात है ठीक है बहुत बड़ी बात है मैं इस पॉइंट को लिंक करूंगा इस पूरे न्यूज को यहां से ट्वेंटी वर्ड्स निकालकर कहां पे पहला टेक के एप्लीकेशन आएंगे आई शुड बी रेडी फॉर इट इन द मीन्स प्रिलिम्स में भी आ सकता है टेक के एप्लीकेशन सेकेंड सेकेंड ध्यान दीजिएगा अगर कोई सवाल आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जहां पे टॉक्स हैं, वेस्ट को रिसाइकल करने का रिसाइकल द वेस्ट डोंट यू थिंक इट्स अ बिग न्यूज फॉर है टेक ये देखिए नैनोटेक का इस्तेमाल एक नया इस क्या कहते हैं स्मार्ट स्क्रीन एप्लीकेशन लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल ठीक है डिस्कारट शेल्स से इस्तेमाल किया गया दैट्स इट नेक्स्ट न्यूज मिशन सागर टू हैंडिंग ओवर फूड टू जीबूटी बाय आईएनएस एरावत मिशन सागर टू मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी 6 नवंबर का न्यूज था कहां गया था ये आईएनएस एरावत ये गया था सुदान अब ये जीबूटी में पहुंचा रहा है फूड जीबूटी कहां पे आपको भी पता है स्टूडेंट्स ठीक है दिस इज अफ्रीका हैव अ लुक दिस इज अफ्रीका दिस इज अरेबिया सऊदी अरब This is अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिस बेल्ट ठीक है दिस इज Djibouti, ठीक है आइडियाज आएंगे माइंड में स्टूडेंट चिंता मत कीजिए देखिए मैं बता दूं यूपीएससी में आप लोग आ गए तो आइडियाज आएंगे ठीक है ठीक है दिक्कत यह है ना कि अभी तक हम लोग एक पुराने ढर्रे पे पड़ रहे थे मगब कर रहे थे इसीलिए हमारी आइडियाज रुक गए थे अब आइडियाज आएंगे डोंट वरी ठीक है तो क्या ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे फोकस है टेलमी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहां पे क्या एक जिबूटी एक कंट्री है टेलमी यस क्या वो जिबूटी रेड सी के ऊपर है टेलमी क्या यहां पे एक स्ट्रेट है स्ट्रेट है मुझे बताइए स्ट्रेट का नाम क्या है ठीक है स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडे एग्री मैंने इसका पूरा कहानी बताया था आत्माओं की जगह है वहां पे ठीक है जस्ट जोकिंग बट यस शिपरेक्स आकर किए हैं उस जगह पे हैवी शिपरेक्स बहुत सारे शिप के एक्सीडेंट्स हुए वहां पे ठीक है क्लियर तो मिशन सागर सागर का फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन देख लीजिएगा क्या ये इंडिया का गुडविल डिप्लोमेसी है मुझे बताइए चैट बॉक्स में गुडविल डिप्लोमेसी स्टूडेंट्स टेल मी दैट्स इट अच्छा मैं पूछता हूं फिर बोलने नहीं देता हूं चलिए मैं बोलने दूंगा आपसे भाई डोंट वरी आई एम रियली सॉरी फॉर इट ठीक है क्लियर गुडविल डिप्लोमेसी का क्लासिकल एग्जाम्पल यानी गुडविल डिप्लोमेसी पे इंडिया का कुछ भी आएगा इनिशिएटिव मिशन सागर ठीक है गुडविल डिप्लोमेसी का मतलब होता है हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न ठीक है नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स लॉन्च अ कैंपेन लोकल फॉर दिवाली लोकल फॉर दिवाली अपील टू ऑल टू सेलिब्रेट दिवाली बाई बाइंग एंड गिफ्टिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट अब अब मैं टाइम दूंगा आपको भाई ठीक है आप लोगों ने कंप्लेन कर दिया यहां पे अब मैं समय दूंगा आपको कहां कहां लिंक करोगे मुझे बताओ चैट बॉक्स में ठीक है कहां कहां लिंक करोगे मुझे चैट बॉक्स में बताओ मैं लिखूंगा यहां पे आपका आंसर देखकर चलमी बाइंग एंड गिफ्टिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट ओके आपने लिखा एमएसएमई वेरी गुड पॉइंट बहुत अच्छा मेक इन इंडिया वेरी गुड पॉइंट बहुत अच्छा क्या बात है सही में आप लोगों को मौका मिलना चाहिए भाई बोलने का कॉटेज इंडस्ट्री वेरी गुड पॉइंट कोई सवाल आएगा आपको ये लिंक करना है ट्वेंटी वर्ड्स फोर्थ पॉइंट सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन वोकल फॉर लोकल यस वेरी गुड पॉइंट आत्मनिर्भर भारत डिमांड क्रिएशन वलनरेबल सेक्टर वेरी गुड पॉइंट एग्री एंड एक्सेप्टेड ऑल ऑफ यू नो एवरी थिंग वेरी गुड ठीक है वेरी गुड इको फ्रेंडली बहुत अच्छा पॉइंट क्या यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लिंक होंगे टर्मी एस डी जीज तो लिंक कीजिए नेक्स्ट न्यूज वी जी एफ पे है वायबिलिटी गैप फंडिंग पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया इसे ठीक है देखिए इतना ही पढ़ना है पीआईबी से जो जो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है उत, नहीं देखना है उतना ठीक है, कि उसका है। यहां पे VGF मैंने कल पढ़ाया था डिटेल में ठीक आपको। आपको है, है मान गए भाई मान गए आप लोगों को अब बस कीजिए एस एंड दिस क्या कहते हैं वोकल फॉर लोकल ठीक है न्यूज के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग कब शुरू किया गया यहां लिखा हुआ है पीआईबी से मैंने न्यूज उठाया है और कौन कौन से सेक्टर्स में शुरू किया गया सब स्कीम वन सब स्कीम टू देख लीजिएगा मैंने कल एक्सप्लेन किया था समझ में आया था मुझे बताइए चैट बॉक्स में क्या वीजीएफ समझ में आया था मैंने देखिए यहां पे डेफिनेशन भी यहां पे अटैच किया था ठीक है और यहां देखिए उड़ान स्कीम मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ठीक है ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज कैपिटल गुड्स सेक्टर का और हुनर हाट का और कुछ और भी न्यूज है ये सारे न्यूज और कुछ आज का एक एडिटोरियल हम कल देखने वाले हैं आई सपोज हम लोगों ने पी के न्यूज कवर कर लिए हैं मैक्सिमम न्यूज टिल डेट तीन न्यूज बाकी रह गए कल हम लोग देखेंगे इसको कल का भी सेशन थोड़ा लंबा होगा दो घंटे का आई होप और रेडी फॉर इट एंड आई होप यू एंजॉय टूडे सेशन टेल मी द चैट बॉक्स एंजॉय किए सेशन को तो मुझे बताइए तो बाकी सारे न्यूज कल देखेंगे हम लोग डोंट वरी ठीक है और टास्क मैं दे दूंगा आज ग्रुप पे लेकिन एक टास्क आपको मैंने आज दे दिया है ऑलरेडी ये 2014 का मेंस का क्वेश्चन 2014 का मेंस का क्वेश्चन ठीक है ये देखिए करंट अफेयर्स मजे से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स आर नेवर अ बर्डन ठीक है उसको कभी भी मोनोटोनस नहीं पढ़ना चाहिए इतना एक्साइटिंग करंट अफेयर्स कभी नहीं होगा लाइफ में ठीक है यस yes, यस yes, सबको सबको भाई धनतेरस और दिवाली आगामी दिवाली की शुभकामनाएं ठीक है, है समझ लीजिए कि बस करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका बदलिए टॉपर्स आर टॉपर्स आर नॉट स्टडिंग समथिंग एक्स्ट्रा दे आर स्टडिंग द सेम थिंग्स इन अ अ इन डिफरेंट वे दे आर नॉट स्टडिंग समथिंग डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे वे कैच करना है पूरा जर्नी एक्साइटिंग हो जाएगा ठीक है वॉट इट और अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो मैं बता रहा हूं कि शायद आपको छुट्टी भी नहीं चाहिए होगा करंट अफेयर्स में डू यू वॉन्ट हॉलीडेज इन करंट अफेयर्स मी इन चैट बॉक्स चाहे छुट्टी भी नहीं चाहिए आपको आपको होगा कि सर दिवाली में तो और अच्छे से सेशन लीजिए सर कल ठीक है तो कल का सेशन होगा यस yes. लगातार सेशन होंगे एंड वी विल कीप ऑन गोइंग रनिंग प्रोग्रेसिंग प्रोसेसिंग अवर माइंड टू की फील्ड इतना आज से मैं बार बार कहता हूं आज से 20 साल के बाद या 30 साल के बाद या 10 साल के बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी खुद से होगी खुद आपको सारी चीजें याद आएंगी कहां कहा गलतियां की थी कहां कहां आपने अच्छी से पढ़ाई करी थी तो अच्छा इस प्रोसेस को अच्छा कीजिए इस प्रोग्रेस को अच्छा कीजिए इस जर्नी को एंजॉय कीजिए क्योंकि तो सारी चीजें बाद में सोने नहीं देंगी अगर गलतियां हो गई तो लेटमी टेल यू तो बस समझ लीजिए कि पढ़ना है और जान लगा कर पढ़ना है जान लगाना है समय पैसे किताबें सब कोई लगा रहा है आपको जान लगाना है तभी जाकर एग्जाम क्वालिफाई होगा यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा मेटल सम एक्स्ट्रा सब्सटेंस आपके अंदर होना चाहिए आई ए एस की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए तो ये सवाल मेरे तरफ से चैलेंज है आपके लिए है। क्या ये सवाल आज अटेम्प्ट होगा आपकी तरफ से टेल है मैं भी इस सवाल का आंसर लिखने वाला हूं आज क्या ये सवाल आप टैकल करोगे टेल मी आज इट्स अ चैलेंज ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू ओपन चैलेंज लेट सी लेट सी हु डज इट बेस्ट ठीक है ओपन चैलेंज है ये 2014 का सवाल लेट सी कौन सबसे ज्यादा पॉइंट्स देता है क्यों इंडिया एग्रीकल्चर सर्विसेज पे शिफ्ट कर गया क्यों सर्विसेज ग्रो करी अलग लिस्ट क्यों मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं किया अलग लिस्ट और अब इंडिया क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए चैलेंज है मेरी तरफ से चैलेंज इंडियंस लेना जानते हैं और चैलेंज का जवाब देना भी जानते हैं तो चैलेंज लीजिए और जवाब लिखिए और पुटअप कीजिए ग्रुप पे आज लेट सी विंस दिस चैलेंज लेट सी टेक केयर बाय बाय गुड डे अड गिव योर बेस्ट ठीक है, बाय बाय चलिए मिलते हैं आगे और जारी रखते हैं इस जंग को ये जंग खुद से है खुद को आगे बढ़ाने की दैट टेक केयर लाइक करना ना भूलिएगा ठीक है